गुड इवनिंग एवरी वन गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन. गुड इवनिंग गाइज, इट्स माई रिक्वेस्ट, दोज आर डूइंग इट वर्चुअली फ्रॉम लाइव फ्रॉम होम, प्लीज इफ इट इज पॉसिबल कीप योर वीडियो ऑन सो दैट एटलीस्ट आई कैन सी यू. कुछ देर के लिए तो वीडियो ऑन कर लो. कन्फर्म मी वेदर आई एम लाइव और नॉट. यूट्यूब वाले बच्चे प्लीज कन्फर्म कर दीजिए वेदर आई एम लाइव और नॉट. एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट गाइज, प्लीज कन्फर्म मी. यस आई थिंक आई एम लाइव, आई थिंक आई एम लाइव. गुड इवनिंग सौम्याजीत, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग अंकित, सौम्याजीत, मोपेंदर, सुरेंद्र, मनोज, सुशील, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग. A very, very good evening, everyone. A very, very good evening. Very good evening, guys. Please, मुझे confirm कर दीजिए whether I'm audible, am I clear in my voice so that I can start with the session. So that I can start with the session. So yes, guys, before starting with the session, let me tell you कि BV classes will be totally as per new syllabus. ठीक है, तो पूरा का पूरा जो business valuation का lectures हम लोग अभी करने वाले हैं वो live from home option भी available है. इसके अलावा आप जो है same day आपको 24 hours के अंदर backup मिल जाता है. You can also opt for Google Drive classes. Apart from that, let me tell you guys कि अगर आपने एग्जिस्टिंग लेक्चर्स में ऑलरेडी कर भी लिया है तो भी कोई टेंशन नहीं है. मैं आपको फ्यू एक्स्ट्रा लेक्चर्स बता दूंगी जो आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से करना है. सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आप सारे टेंशन को भुला दो क्योंकि अब मैं आपके संग डेली इंटरेक्शन करने वाली हूँ, है ना. सो आई हैव बीन हियरिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस. सो फॉर देम आई एम हियर एवरी डे विथ यू. वी आर गोइंग टू कंडक्ट अवर क्लासेस शार्प एट 7:30 PM इन द इवनिंग. ठीक है, ऑलरेडी इफ आई टॉक अबाउट SPM का 8 लेक्चर्स अमेंडमेंट का आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इन योर MEPL ऐप. यू हैव टू डू दोज लेक्चर्स. ठीक है, इसके अलावा जो आपको पहले लेक्चर्स मिले थे वो भी करना है. नॉट डू नॉट टेल मी कि मैम ये ओल्ड में है ये न्यू में है. जो नए लेक्चर्स गए हैं वो न्यू सिलेबस वाले बच्चों को करना है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेक्चर्स विच दे हैव गॉट. दिस इज फॉर SPM आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी न्यू टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू बी वेरी मच क्लियर विद द मिसकॉन्सेप्शन एंड द कन्फ्यूजन एंड द र्यूमर्स गोइंग ऑल अराउंड फॉर न्यू एंड ओल्ड सिलेबस. आई डू नॉट वॉन्ट एट ऑल टू यू टू बी नर्वस इवन यू नो 1%. यू शुड बी वेरी मच क्लियर. तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट SPM. सबसे पहले गाइज आई विल टॉक अबाउट SPM. ओके, सो फॉर SPM, फॉर SPM ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द बैच. ठीक है, ऑलरेडी यू हैव गॉट एग्जिस्टिंग लेक्चर्स, अराउंड 30 लेक्चर्स यू हैव गॉट फॉर SPM आई गेस. प्लस लेट मी टेल यू, प्लस फॉर न्यू सिलेबस एक्स्ट्रा 8 लेक्चर्स have already been uploaded which you are supposed to do. Okay, let me tell you, 3-4 more classes will come for SPM as well, so that is also you are supposed to do. Okay, that also you are supposed to do. So for SPM there should not be any confusion. I am talking to those who are having their new syllabus, existing lectures that you have got, ठीक है, already in the MEPL app, that you are supposed to do, and along with that you have got 8 extra lectures, ठीक है, for new syllabus, that also you are supposed to do. Is it okay guys? And उसके अलावा 3-4 लेक्चर में और आपको जो है करवाऊंगी, मैं आपसे लाइव ही ले लूंगी, that will be more better for you. Live only will meet, ठीक है. So once we are through with the BV portion, we'll do that SPM again. Four lectures are left out, we are going to complete it. So this is all regarding your SPM. So there should not be any confusion. If anyone is having old syllabus, he needs to watch only this. And those who are sitting for the new syllabus exams, they are supposed to watch this plus this. Okay?
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेक्चर्स में उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है. दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर डूइंग दीज एक्स्ट्रा क्लासेस. इफ यू आर नॉट गोइंग टू वॉच दीज क्लासेस, योर बेस आर नॉट गोइंग टू गेट क्लियर. ऑल राइट, सो फॉर SPM देर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. प्लीज कॉमेंट मी इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियर विथ यू और नॉट? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस अंकित, you have done inter also with me, very good, proud of you. Acha abhi result nikla Ankit? No, I got confused between the Ankit you know who met me just 4 days back. Okay, theek hai, SPM ke liye ab koi confusion nahi hai. I do not want any confusion, ye aapko karna hi hai. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू BV पार्ट, बिजनेस वैल्यूएशन. इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड सिलेबस, देर वर 4 chapters. नाउ आई एम स्ट्रेट अवे यू नो टॉकिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द न्यू सिलेबस पोर्शंस, बिकॉज ओल्ड सिलेबस का रिकॉर्डिंग वी हैव ऑलरेडी डन, है ना. सो इफ आई टॉक अबाउट योर न्यू सिलेबस इन BV पोर्शन, देर आर टोटल 5 chapters. ठीक है, यानी एक चैप्टर एक्स्ट्रा आया है विच इज टॉकिंग अबाउट क्या, लॉज एंड कंप्लायंसेज इन बिजनेस वैल्यूएशन. बट यू नो Institute has unnecessarily given you this chapter in BV portion, जिसका marks but is just 5% है. यानी आप समझ रहे हो खाली 5 marks का उससे सवाल आने वाला है, वो भी already I think आपके law में covered है. ठीक है, but do not worry, we are going to do it again. Okay? चलो, now before starting with BV discussion, I just want you to show the website, because this is a YouTube live session going on and still many of you are looking for the enrollment procedure. So I'm just telling those students, if you want to take the admission, www.meplclasses.com mein you are going to visit. You are going to go under the option of courses. There you are going to select CMA final. Okay, CMA final mein you are going to select new syllabus. If new syllabus is applicable for you, and then both group combo, single subject, single group combo, everything is available to you. So as per your preferences, as per your appetite, as per your need, you're going to select the duration of the course, subject or etc. Take it. And let me tell you one more thing, guys. Those students who are actually confused ki SPM BV being an elective paper, should we select this or not, or we should we select banking or insurance, or should we select the other startup subject? So it's my kind advice to you guys, not because I'm taking this paper, I'll also be taking other papers also, but for your kind information, this subject is very very scoring. And if you guys do not trust me, go and watch the interview of AIR3 last term, Sunaina Khem ka. She secured more than 85+, I guess somewhere around 90 in this paper. So this is a very scoring paper, trust me. जहाँ पे आपको दूसरे paper से expectation नहीं रहेगा, this paper is going to you know fetch you tremendous marks. Isn't it? So please opt for this paper blindly. Opt for this paper blindly. Okay? Chalo. So I hope I am clear with all these stuffs. Hai na? Chalo. Now we are going to start with pura BV portion. Okay? Please comment me in the chat box, guys, whether you guys are following everything or not. Please comment me in the chat box. And I want the sessions to be interactive. All right? I want the sessions to be interactive. So on a fresh note, I'm starting off with the lecture. A very, very good evening to all the lovely, dear CMA final students, and welcome to the first session of your business valuation. SPM we have already completed, and from today onwards we are going to start with BV portion, business valuation. So we are going to take all the lectures pura fresh as per your new syllabus. Theek hai, so please I will request you maintain a proper copy of business valuation. Aap ek copy maintain karoge. We are going to cover each and every sums of your institute mat, so you do not have to worry about anything. Before, BV is more practical, SPM was a bit theory, BV is more practical, where sums are going to come in your exam. Theek hai, so for BV portion I will recommend you maintain one copy, proper copy, and whatever notes I will be dictating you in the class, or if I will be giving you the soft copy of those notes, those handwritten notes has to be jotted down in your copy for your convenience. You will understand, you will realize the importance of this handwritten notes the day before exams, how much it is going to save your revision time. ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले मेरे संग पूरा लिखोगे कि
बी सेक्शन बी जो कि बिजनेस वैल्यूएशन है उसमें क्या क्या चैप्टर्स आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है, व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर एप्लीकेबल फॉर योर टर्म. सो प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विथ मी. ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हर एक चैप्टर से क्या क्या कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सो लेट अस डिस्कस दैट. ओके, सो एज पर सिलेबस 2022 विच योर इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड ऑफ लेट, मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 चैप्टर्स है बिजनेस वैल्यूएशन में. ओके, सो आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स एज पर देयर इंपॉर्टेंस. ओके, दैट इज एज पर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो सबसे पहले टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मर्जर्स एंड एक्विजिशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन एज अ नेम ऑफ द सब्जेक्ट सजेस्ट बिजनेस वैल्यूएशन. यानी इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि क्या क्या अलग अलग बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल्स है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ टर्म्स ऑन वेयर वन कंपनी इज मर्जिंग विद अदर कंपनी, अमलगमेटिंग विद अदर कंपनी, इज ट्राइंग टू अक्वायर अनदर कंपनी. सो वॉट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, वॉट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वॉट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द लायबिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ द असेट. सो मेनी टॉपिक्स आर हियर. ठीक है, एंड अलग अलग मेथड्स क्या है, एनएवी मेथड है, नाटो मेथड है. ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा कंप्लायंसेस डिस्कस करेंगे जो कि नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. So if I talk about the first chapter which I am going to start is your last chapter in the institute mat which is your mergers and acquisition. ठीक है, so write down we are going to start with the topic of today mergers and acquisition. So your mergers and acquisition, you'll be very much surprised to hear this is going to carry your 15% weightage. Okay, so this particular chapter is going to carry 15% weightage, yani 15 marks. Yani ma'am aap kya bol rahe ho, is particular chapter se 15 marks ka questions aata hai? Absolutely correct. इस पर्टिकुलर चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. ठीक है, विच इज अगेन अ वेरी लेंथी चैप्टर. सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे वंस वी आर थ्रू विथ मर्जर्स, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जहाँ हम लोग क्या करेंगे बताओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, असेट के बारे में, पेटेंट के बारे में. ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ मेनी अदर इनटेंजिबल्स एटसेट्रा वी आर गोइंग टू डू हियर. इवन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी है जो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट चैप्टर इज योर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी which is very very important. This is also going to cover your 15 marks. So you are understanding, once we are through with these two chapters na, BV ka aadha se zyada portion we have completed. Okay, iske alawa hum log kya karenge, alag alag business valuation methods kya hote, that is your next chapter which is very important, which is again covering your 10 marks. Okay, so business valuation method is the next chapter which is going to cover your 10 marks. Okay, iske alawa ab dekho kitna ho gaya, 40 is done here, total 50 marks ka BV because SPM is 50 marks. Ab remaining 5 marks each is of 2 theoretical chapter which is again very easy. I will say hum log karenge sabse pehle introduction which is your fundamentals of business valuation 5 marks and the other one is about the law which I was talking about, law and compliances in business valuation. सो नेक्स्ट चैप्टर जो एकदम एंड में करेंगे लॉज एंड कंप्लायंसेस इन बिजनेस वैल्यूएशन, दैट इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स. सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस. ओके, एज पर योर लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट. सो टेल मी, आर वी थ्रू विद द सिलेबस डिस्कशन? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हैव यू रिटन दिस? हैव यू जॉटेड इट डाउन? प्लीज कन्फर्म इन द चैट बॉक्स, आर यू गाइज डन? यहां तक आपने लिख लिया, हैव यू रिटन इट टिल हियर? यस. सो टुडे टेल मी गाइज विथ विच चैप्टर आर वी स्टार्टिंग? हम लोग ओपनिंग किससे कर रहे हैं? द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन. हर टर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. बट ट्रस्ट मी गाइज, मेरे संग आपको फॉर्मूला रटने का बिल्कुल भी दरकार नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी फॉर्मूला स्टेप बाई स्टेप. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना. टेल मी वन थिंग, एम आई ऑडिबल? माई वॉइस इज कमिंग क्लियर ना? And you guys can ask me your doubts either in the chat box, or you're going to wait at the end of the session. I'm going to unmute you and you can reveal me your doubts. Okay? Yes. Soumya Jeet. Suraj, why have you raised your hands? Chalo. Anish, do not worry at all. We are going to complete it very quickly. Okay? So you do not have to worry at all. You do not have to worry at all. Chalo. Yes, can we start with the session, guys? Can we start with the session? Tell me, can we start with the session? Mergers and acquisition. Now, stop writing. Do not write down anything, because अभी मैं आपको पूरा explanation दे रही हूँ, सब समझा रही हूँ, ठीक है? At the end of the lecture, I'm going to either make you write the notes or I'm going to share the notes with you from where you can copy it down. So stop writing. No need to write down anything. Okay? Mopinder, you can watch this because it is equally applicable for your exams also. Theek hai? Chalo. This is a basic that we are doing today. Now, what does the word merger means? So, to start with, merger shabd ka matlab kya hota? What is merger? Merger ka matlab kya hota? Merger is a situation where two or more firms combine together. ठीक है, वेर टू और मोर फर्म्स कंबाइन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज मर्जर. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड मर्जेज विथ बी लिमिटेड. ए लिमिटेड मर्जेज विथ बी लिमिटेड. दोनों जन क्या है? कंपनी है. ए लिमिटेड ने मर्ज किया किसके संग? बी लिमिटेड के संग. ठीक है, बट not to create a new entity, but A limited and B limited has merged together to remain in A limited only. Yani iska matlab kya hua? Dhyan se sunna. A plus B merge hua, lekin resultant entity is not AB limited, it's only A limited. That means definitely A limited would have been more powerful, which has merged B limited in itself, and this kind of merger is called as merger by absorption. This kind of merger is called as merger by absorption. Merger through absorption. ठीक है, दो कंपनीज मर्ज किए, लेकिन उसमें एक एंटिटी का अस्तित्व खत्म हो गया, बट दूसरे एंटिटी का अस्तित्व चालू है. यानी द अदर एंटिटीज नेम इज फ्लरिशिंग, विच हैज टेकन ओवर द टारगेट कंपनी, विच इज बी लिमिटेड इन माय एग्जांपल. एंड दिस काइंड ऑफ मर्जर इज कॉल्ड एज मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन. यानी कि इसका मतलब हुआ, ए लिमिटेड हियर कैन बी कॉल्ड एज द अक्वायरिंग कंपनी, and B limited can be called here as a target company. A limited can be called here as the acquiring company, and B limited can be called here as the target company. ठीक है, any doubt? And this kind of merger is called as what? Merger through absorption. Merger through absorption. Merger कैसा हुआ? Merger through absorption. Why? Because A limited is still retaining its existence, whereas B limited has lost its identity. So when two companies are merging together, where one company is overtaking the other company's name, because of which, that means one company is absorbing other company in itself. The other company is totally losing its entity, losing its identity. So that kind of merger is called as what? Merger through absorption. Am I through with this?
फिर इसके बाद आपने एक और टाइप का मर्जर पढ़ा होगा, वेयर यू मस्ट हैव स्टडीड कि ए लिमिटेड व्हेन मर्जेस विद बी लिमिटेड अ न्यू सेपरेट एंटिटी कॉल्ड ए बी लिमिटेड इज क्रिएटेड वेयर बोथ द ओरिजिनल एंटिटीज हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड अ न्यू कंपनी हैज बीन क्रिएटेड altogether a new company has been created that is called as merger through consolidation that is called as what merger through consolidation ye kaun sa merger hua mere ko batao merger through consolidation so very easy hai merger mein kya ho raha hai do companies ek dusre se combine ho rahe now tell me in the chat box ki according to you why do companies merge with each other agar merger by absorption kar raha hai ya merger by consolidation kar raha hai why the companies are actually merging batao companies kyun merge karte hai एनी आइडिया हैव यू हर्ड अबाउट सम प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऑफ मर्जर हैव यू हर्ड अबाउट द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट विच गॉट मर्ज्ड थ्रू एब्जॉर्प्शन बाई वॉलमार्ट हैव यू हर्ड द नेम ऑफ वॉलमार्ट कंपनी वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स कंपनीज फॉर्च्यून 500 मैट्रिक्स रैंकिंग नंबर वन इट रैंक्स नंबर वन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 81% स्टेक एक्वायर किए थे है ना यानी फ्लिपकार्ट का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया फ्लिपकार्ट मर्ज हो गया किसके संग वॉलमार्ट के संग हैव यू हर्ड अबाउट इट तो क्यों किया ऐसा फॉर एक्सपेंशन फॉर एंजॉइंग सिनर्जीज वॉलमार्ट को इंडिया में अपना बेस बनाना था एंड फ्लिपकार्ट यू नो इज एन इंडियन फॉरेन कंपनी वाई इंडियन फॉरेन कंपनी बिकॉज इट हैज अ कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ ऑपरेशन फ्लिपकार्ट का अगर मैं बात करूँ लीगल हेड ऑफिस का डेट इज इन सिंगापुर बट ऑपरेशनल हेड ऑफिस इज इन बेंगलुरु डेट इज इन इंडिया है ना तो उसको इंडिया में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना था किसको वॉलमार्ट को टू गिव अ टफ कंपटीशन टू अमेज़न सो दैट इज व्हाई इट परहैप्स एक्वायर्ड क्या इट एक्वायर्ड विच कंपनी फ्लिपकार्ट इन इंडिया है ना सो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मर्जर जहां एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को एक्वायर किया मर्ज किया क्यों मर्ज किया क्यों मर्ज किया टू इंजॉय द बेनिफिट्स ठीक है टू इंजॉय द टेक्निकल इकोनॉमीज टू इंजॉय द मैनेजरियल इकोनॉमीज टू क्रिएट अ बेस इन इंडिया बेसिकली जो भी मर्जर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है टू हैव सम गेन टू हैव सम बेनिफिट एंड दैट गेन और दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज सिनर्जी वेरी गुड कृष्णा दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज वॉट सिनर्जी तो आज अगर ए ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है इसका अल्टीमेट रीजन क्या है सिनर्जी इंजॉय करने के लिए वॉट इज अल्टीमेट रीजन टू इंजॉय सिनर्जी मैम एनर्जी तो सुना था वॉट इज सिनर्जी सिनर्जी मतलब गेन्स फॉलोइंग मर्जर समझ में आ रहा है मर्जर होने के बाद अब हो सकता है जो कंबाइंड एंटिटी है उसका प्रॉफिट लेवल ज्यादा बढ़ जाए उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाए उसका मैनेजरियल इकोनॉमी बढ़ जाए उसको फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है या उसको मान लो कि कोई मैनेजरियल एक्सपर्ट एडवाइस मिल जा रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है दैट इज वाई पीपल मर्ज है ना सच काइंड ऑफ मर्जर लीड्स टू क्या सिनर्जी मर्जर की वजह से क्या होता है मेरे को बताओ सिनर्जी अब एक बात बताओ अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया उसको मर्ज किया है सो डोंट यू थिंक उसको बी लिमिटेड को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो अब ध्यान से सुनना बी लिमिटेड का वैल्यूएशन होगा अब बी लिमिटेड ने अपना परचेज कंसिडरेशन बताया विच इज अ टारगेट कंपनी और द वेंडर कंपनी ठीक है सो बी लिमिटेड ने अपना परचेज कंसिडरेशन बताया किसको एक्वायरिंग कंपनी को ए लिमिटेड को बोला कि तुम मेरा परचेज कंसिडरेशन चुका दो अब परचेज कंसिडरेशन चुकाने का ना दो तरीका होता है या तो आप क्या करोगे कैश डील कर सकते हो द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द बी लिमिटेड कैन बी सेटल्ड बाई ए लिमिटेड आइदर इन कैश और यू नो इट कैन बी सेटल्ड इन स्टॉक डील दो चीज होता है स्टॉक डील मैम व्हाट इज स्टॉक डील आप जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है ना उनको शेयर दे दीजिए किसका शेयर दे दीजिए अपने खुद के कंपनी का ए लिमिटेड का यानी जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर है उनके क्लेम्स को आप सेटिस्फाई करिए उनका सारा शेयर आप खरीद लीजिए और उनके रिटर्न में आप क्या करिए अपने कंपनी का शेयर उन्हें दे दीजिए तो जब अक्वायरिंग कंपनी अपना शेयर्स टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे देता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक डील और अदरवाइज डायरेक्टली क्या दे देता है कैश cash consideration so the purchase consideration can be satisfied in two methods either it can be done through cash deal and generally cash deal small acquisitions ke liye suitable hota hai or otherwise it can be done with the help of kya share exchange hai na equity shares de diya jata hai equity shares can be given kiska equity share diya ja raha hai acquiring company apna equity share de raha hai kisko de raha hai target company ko acquiring company yahan pe kaun hai a limited target company yahan pe kaun hai b limited आर वी थ्रू विद दिस अब मेरे को बताओ सपोज करो मैंने आपको बोला कि ए लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू गिव बी लिमिटेड शेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेयर डील क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सम्स यही वाले टॉपिक से आते हैं स्टॉक डील से शेयर्स के ऊपर
ठीक है। तो मैंने बोला ए लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि बी लिमिटेड को वो कितना शेयर देगा, स्वैप रेशियो डिसाइड किया गया है। स्वैप रेशियो हैज बिन डिसाइडेड एज 2:1। नाउ व्हाट इज दिस स्वैप रेशियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ इंट्रोडक्शन विच आई एम गिविंग यू, बट दिस इंट्रोडक्शन इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू द ऑल कॉन्सेप्ट। इफ द इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर, यू आर गोइंग टू डू ऑल द सम्स वेरी स्मूथली, मक्खन बटर की तरह आप सम्स बनाते जाओगे इफ द इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्वैप रेशियो 2:1? बी वेरी केयरफुल। स्वैप रेशियो का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब ए लिमिटेड विल गिव टू शेयर्स फॉर एवरी वन शेयर ऑफ बी लिमिटेड। A limited will give every two shares of A limited for every one share of B limited. यानी कि जो acquiring company है ना, वो दो share देगा in exchange of one share of B limited. तो यानी इसका मतलब आप मैम बोलना क्या चाह रहे हो, अगर वो B limited का एक share लेगा तो वो अपना दो share दे देगा उसको? हाँ दे देगा। तो मैम ये swap ratio क्या दिया हुआ रहेगा क्या सम में? इट डिपेंड्स, स्वैप रेशियो दिया हुआ भी रह सकता है, अदरवाइज आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। सो मैम हाउ टू कंप्यूट द स्वैप रेशियो? नो, स्वैप रेशियो विल डिपेंड अपॉन, कैसे 2:1 है कि 1:2 है, वो डिपेंड करेगा किस कंपनी का ईपीएस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि स्वैप रेशियो वी आर फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस ऑफ द टू कंपनी। मैम नो, वॉट इज दिस ईपीएस? मैंने बोला स्वैप रेशियो किसके बेसिस पे निकलता है? ईपीएस। कैन एनीवन गिव मी द फॉर्मूला और द फुल फॉर्म ऑफ ईपीएस? अर्निंग्स पर शेयर। EPS का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। नाउ व्हाट इज दिस अर्निंग पर शेयर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, है ना? यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग, मैं आपको सब दे दूंगी, ऑलरेडी आपके लिए बहुत सुंदर सा नोट्स बना के रखा है। अब ये पैट कौन सा है? द पैट व्हिच इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन पे इक्विटी वालों का हक है। यानी मैम अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो वो भी हटा के निकालेंगे क्या? हाँ। एक इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है उनको एंजॉय करने के लिए? आपको पता है ना, हम लोग ईपीएस निकालते हैं जहाँ पे कितनी बार कंपनी क्या करता है, डिविडेंड देखता है, डिविडेंड दे देता है, डिविडेंड नहीं देता तो पूरा रिटेन कर देता है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है, जहाँ पे हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालते हैं एटसेट्रा। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं SFM में, ठीक है? और नहीं भी पढ़ा है तो डू नॉट वरी, हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर में करेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो ईपीएस का मतलब क्या हुआ, कि जो एक इक्विटी शेयर होल्डर है ना उसको कितना अर्निंग्स मिलेगा, कितना अर्निंग्स का वो हकदार है। तो एक इंडिविजुअल इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अर्निंग्स मिलेगा? जितना कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ ऑल द अदर पीपल, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जो प्रॉफिट बचा वो किसका? इक्विटी वालों का है, और डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, दिस विल गिव यू व्हाट? अर्निंग पर शेयर, ठीक है? तो मैंने बोला स्वैप रेशियो जनरली किसके बेसिस पे निकलता है? ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। स्वैप रेशियो किसके बेसिस पे निकलता है? ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस ऑफ द टू कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ईपीएस ऑफ द टू कंपनीज। ऑलराइट, अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि ईपीएस जो है ना दोनों कंपनी का दिया हुआ है, ए लिमिटेड का भी दिया हुआ है और बी लिमिटेड का भी दिया हुआ है। मान लो ए लिमिटेड का ईपीएस 10 दिया हुआ है, बी लिमिटेड का ईपीएस 20 दिया हुआ है ना? तो कैन एनीवन टेल मी स्वैप रेशियो 2:1 कैसे निकलेगा? मैंने बोला स्वैप रेशियो 2:1 आया था, तो स्वैप रेशियो 2:1 कैसे आया होगा? एनी आइडिया? मैम वेरी इजी, 20/10 कर देंगे विच इज 2:1 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्वैप रेशियो। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने, बोला स्वैप रेशियो निकालना ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। अब इसके लिए कोई रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला का। अब आप खुद सोचो ये 20 किसका ईपीएस है, टेल मी द फॉर्मूला ऑन योर ओन। 20 इज द ईपीएस ऑफ विच कंपनी? बी लिमिटेड कौन सा कंपनी था? टारगेट कंपनी। और ए लिमिटेड कौन सा कंपनी था? अक्वायरिंग कंपनी, है ना? तो 20 किसका ईपीएस है बताओ मुझे? EPS of target company divided by EPS of acquiring company. So by applying this formula you can find out the swap ratio which is also called as the exchange ratio. Yani points to be noted is ki always target company ka EPS on the numerator aayega aur denominator mein kya aayega? Acquiring company. Do not get confused. Once again tell me the formula. Swap ratio का formula is very very important. हर समय swap ratio निकालने आता है। ऊपर में target company का EPS आएगा, नीचे में acquiring company का EPS आएगा। So EPS of the target company divided by EPS of the acquiring company. Ma'am, what is EPS? Earning per share. Total profit available for the equity shareholder. Or PAT divided by outstanding number of equity share. Very easy. Swap ratio निकल गया, which is also called as what? Exchange ratio.
तो अब स्वैप रेशियो 2:1 का मतलब क्या हुआ? दिस मींस कि अक्वायरिंग कंपनी यानी ए लिमिटेड अपने कंपनी का 2 शेयर देगा फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी विच इज बी लिमिटेड इन माई एग्जाम्पल 2:1। यानी हमेशा याद रखना, 2 पहला वाला जो है ना, पहला वाला जो नंबर है ये रिफ्लेक्ट करता है किसका शेयर? अक्वायरिंग कंपनी का। वो कितना शेयर देगा? फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। आर वी थ्रू विद दिस? बट जब हम लोग स्वैप रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर में टारगेट कंपनी का ईपीएस डिवाइडेड बाई नीचे में अक्वायरिंग कंपनी का ईपीएस। आर वी थ्रू विद दिस? एनी कंफ्यूजन टिल हियर गाइस? प्लीज टेल मी एनी कंफ्यूजन। चलो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। सपोज करो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का ना टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज गिवन इन द सम। ए लिमिटेड का मान लो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 1 लाख है और बी लिमिटेड का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख है। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अक्वायरिंग कंपनी ने बी लिमिटेड का टोटल कितना शेयर्स अक्वायर किया? 2 लाख शेयर पूरा ले लिया है ना। तो अगर उसका 2 लाख शेयर लिया है तो उसको रिटर्न में अपने कंपनी का कितना शेयर देगा? मैम जब बी लिमिटेड का हम लोग 1 शेयर ले रहे हैं ना तो उसको 2 शेयर दे रहे हैं अपना। तो अगर 2 लाख शेयर देंगे, अगर 2 लाख शेयर लेंगे तो कितना शेयर देंगे अपना? रिपीटिंग अगेन, अभी आपने बोला मैम स्वैप रेशियो कितना है? 2:1। मैम अभी आपने बोला स्वैप रेशियो 2:1 है, विच मीन्स क्या? फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड ए लिमिटेड इज गिविंग इट्स 2 शेयर्स ना। इसका मतलब ये हुआ ना, 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी के लिए हम कितना शेयर दे रहे हैं आपको? 2 शेयर दे रहे हैं। तो अगर हम आपका 2 लाख शेयर ले रहे हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर बी लिमिटेड का कितना है? 2 लाख। तो हम आपको कितना शेयर देंगे? 2 × 2 = 4 लाख। सुपर्ब आशा, सुपर्ब रोहित, सुपर्ब सुरेंद्र, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 लाख्स, इजंट इट 4 लाख्स? यानी आप मुझे बताओ ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन टू होम? टारगेट कंपनी बी लिमिटेड इज इक्वल टू कितना? उसका 2 लाख शेयर के बदले में आपने उन्हें कितना शेयर दिया? 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर्स। बताओ क्लियर है कि नहीं? आ तक इज इट क्लियर और नॉट? यानी मैम ये तो एक फॉर्मूला बन गया। हाँ देखो ना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाई स्वैप रेशियो। ये फॉर्मूला नहीं है, दिस ऑल कॉन्सेप्ट। नाउ पीपल कॉल दिस एज फॉर्मूला एंड दे ट्राई टू मग इट अप। अरे रटना नहीं है, गो बाई कॉन्सेप्ट, इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू रिटेन द टॉपिक्स। एकदम सिंपल है। स्वैप रेशियो का मतलब क्लियर रखो कि अक्वायरिंग कंपनी अपना कितना शेयर इशू कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, है ना। तो अगर टारगेट कंपनी का आप 2 लाख शेयर ले रहे हो तो यानी आप उसको कितना दोगे? 1 शेयर के लिए आप उसको कितना दे रहे हो? 2। तो 2 लाख के लिए कितना दोगे? 4 लाख दोगे ना। एकदम सिंपल। यानी टारगेट कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाई द स्वैप रेशियो। एग्जाम में बड़ी सब लिख कर आना होगा फॉर्मूला, ठीक है। सो विच इज कितना इन माई एग्जाम्पल? 4 लाख्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? अब मेरे को आप बताओगे, आफ्टर मर्जर, मर्जर करने के बाद आफ्टर मर्जर टोटल शेयर्स कितना हो गया? टोटल शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड मर्ज्ड एंटिटी का, क्योंकि मर्ज्ड एंटिटी तो अब ए लिमिटेड ही है ना। एब्जॉर्प्शन में मर्ज्ड एंटिटी का नाम क्या? ए लिमिटेड है। ए प्लस बी इज ए लिमिटेड ना, बिकॉज दिस इज मर्जर बाई एब्जॉर्प्शन। सो कैन एनी वन टेल मी आफ्टर मर्जर टोटल शेयर ऑफ ए लिमिटेड कितना होगा? ऑलरेडी देखो ना, ऊपर में लिखा हुआ है ए लिमिटेड का ऑलरेडी कितना शेयर था। गाइस कम ऑन टेल मी, ऑलरेडी ए लिमिटेड का 1 लाख तो शेयर था ही ना, प्लस उन्होंने 4 लाख नया शेयर इशू किया अपने कंपनी का बी लिमिटेड को। यानी जो अभी नया शेयर इशू किया 4 लाख, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5 लाख शेयर्स। यानी अब ए लिमिटेड का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हो गया? इनिशियल आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ ए लिमिटेड प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड विच इज इक्वल टू कितना? 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5 लाख्स। यानी मर्ज्ड एंटिटी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हो गया? 5 लाख्स। मर्ज्ड एंटिटी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हो गया? 5 लाख्स। टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? एनी कंफ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? आर वी थ्रू विद दिस? कोई भी डाउट है तो पूछो। एब्सोल्युटली क्लियर गाइस? वेरी गुड। चैटबॉक्स में लिखो ना प्लीज, क्लियर है कि नहीं? आ तक एनी कंफ्यूजन?
वेरी गुड. अब हम लोग पता क्या निकालेंगे, एक बात बताओ, प्री मर्जर ईपीएस दिया हुआ था क्या मैम? व्हाट इज दिस प्री एंड व्हाट इज दिस पोस्ट? मर्जर होने के पहले ए और बी का इंडिविजुअल ईपीएस कितना था, मर्जर होने के बाद कंबाइंड ईपीएस कितना है? तो देखो ना, मर्जर होने के पहले ईपीएस दिया हुआ था क्या? मैंने दिया था क्या? हाँ, ये रहा ईपीएस मैंने दिया था. ए लिमिटेड का 10 है और बी लिमिटेड का ईपीएस मैंने बोला था 20 रुपीज है, अर्निंग पर शेयर बोला था ना ये. अभी मुझे बताओ ना, मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस कितना होगा? तो मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस कितना होगा, उसके लिए क्या करोगे? पैट ऑफ ए लिमिटेड प्लस पैट ऑफ बी लिमिटेड डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो अभी हमने निकाला है ऑफ मर्ज्ड एंटिटी. तो मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस आ जाएगा ना, यानी पैट ऑफ ए लिमिटेड कितना है? ए लिमिटेड का पैट कितना होगा मेरे को बताओ ना, दिया वही तो है सब में. इंडिविजुअली ए लिमिटेड का ईपीएस कितना था? 10. एक शेयर होल्डर को कितना रुपया कमाई दे रहे थे? 10. और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर इसका कितना था ऑलरेडी? टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 1 लाख था. तो टोटल पैट कितना होगा? 10 × 1 ना, 10 लाख्स. क्लियर है? तो इसका पैट कितना हो गया? 10 लाख्स. और इसका कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई आउटस्टैंडिंग शेयर कितना था? 2 लाख्स था ना, यानी दिस इज कमिंग टू 40 लाख्स. तो 40 लाख्स और 10 लाख्स कहाँ से आया, क्लियर है क्या बताओ? अरे तो दिया वही है बाबा, आप समझो ना, एक शेयर होल्डर का अर्निंग दिया हुआ है 10 रुपया और टोटल बोल रहा है 1 लाख शेयर होल्डर है. तो टोटल मेरे कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख ना, विच इज 10 लाख. सेम गोज विथ योर बी लिमिटेड. बी लिमिटेड का क्या बोल रहा है, ईपीएस कितना है, एक शेयर होल्डर को कितना दे रहे हो? 20 रुपया. टोटल कितने शेयर होल्डर है वहाँ? 2 लाख. तो 20 × 2 40 लाख हुआ ना, ठीक है? तो मेरे को बताओ, पैट ऑफ ए लिमिटेड कितना आपने बोला मैम? 10 लाख्स है. बी लिमिटेड का पैट कितना है? 40 लाख है. टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना हो गया ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी? 5 लाख्स हो गया ना अभी, 5 लाख्स है. क्लियर है? 1 लाख तो ए का था ही, अभी उसने 4 लाख फ्रेश शेयर इशू किया तो टोटल 5 लाख आया ना, ऊपर निकाला ना 5 लाख्स. तो मेरे को बताओ अर्निंग पर शेयर कितना है मर्ज्ड एंटिटी का? 50 / 5 कितना है? 50 / 5 ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर. सो व्हाट इज द पोस्ट मर्जर ईपीएस? ₹10 पर शेयर. व्हाट इज द पोस्ट मर्जर ईपीएस? ₹10 पर शेयर. यहां तक कोई डाउट है क्या बताओ, क्लियर है कि नहीं? तो ये सब एग्जाम में निकालने आते हैं, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालो, या फिर बोलेगा क्या टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आफ्टर मर्जर निकालो. एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट, टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? टेल मी, एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है ना? वापस से एक बार हम लोग डिस्कस करें क्या क्या डिस्कस किया. मैंने बोला ए लिमिटेड कौन था मेरा? ए लिमिटेड मेरा अक्वायरिंग कंपनी था, बी लिमिटेड मेरा टारगेट कंपनी था, ठीक है? ए लिमिटेड का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना था? 1 लाख. बी लिमिटेड का कितना था? 2 लाख. मैंने बोला स्वैप रेशियो 2:1 है. इसका मतलब क्या हुआ? स्वैप रेशियो का मतलब हमेशा क्लियर रखना. 2:1 का मतलब हाउ मेनी शेयर्स ऑफ अक्वायरिंग कंपनी इज बिंग गिवन फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, यानी 2 शेयर इज बिंग गिवन फॉर 1 शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी. आज ए लिमिटेड 1 शेयर खरीद रहा है बी का, तो रिटर्न में उसको अपना कंपनी का 2 शेयर दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बी लिमिटेड का कितना शेयर था? 2 लाख. और मैंने बोला स्वैप रेशियो 2:1 है, यानी बी लिमिटेड को आपने अपने कंपनी का कितना शेयर दिया? 4 लाख. यहाँ तक क्लियर है? तो स्वैप रेशियो का मतलब एकदम क्लियर है, फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड ए लिमिटेड इज गिविंग इट्स 2 शेयर. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर गिवन टू बी लिमिटेड इज कितना? 4 लाख, है ना? एनी कंफ्यूजन? फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि मर्जर के बाद आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हो जाएगा? मैम आप बी लिमिटेड का शेयर क्यों नहीं ले रहे? बी लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो गया है. दिस इज मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन, वेयर ए इज रिमेनिंग. ए ने एब्जॉर्ब कर लिया बी को अपने अंदर. तो ए लिमिटेड का टोटल शेयर कितना हो गया? ऑलरेडी उसका 1 लाख शेयर था, प्लस अभी ताजा ताजा 4 लाख शेयर इशू किया, टोटल कितना शेयर हो गया? 5 लाख. 5 लाख, है ना? 5 लाख हो गया ना. अब इसके बाद क्या बोल रहा है? मर्ज एंटिटी का कंबाइंड ईपीएस निकाल के दो. तो अरे भाई, ए लिमिटेड कितना कमा रहा था देख लो ना, 10 लाख. बी लिमिटेड कितना कमा रहा था? 40 लाख. अब दोनों मिलकर उतना कमाएंगे ना. और याद है मैंने आपको बोला था कि कितनी बार ना बिकॉज ऑफ मर्जर कुछ इन लोग एक्स्ट्रा सिनर्जी भी कमाते हैं. तो अगर सिनर्जी दिया हुआ रहेगा ना सब में, तो यहाँ आपको सिनर्जी का वैल्यू भी ऐड करना है मर्जर की वजह से, फिर वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देना, एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. बट अभी मैंने सब में आपको सिनर्जी का वैल्यू दिया ही नहीं, तो आप उसको इग्नोर मारो. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? सो दिस इज योर मर्ज्ड एंटिटी का न्यू ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, विच इज 10 रुपीज पर शेयर. एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन गाइज, फील फ्री टू आस्क मी.
अब इसके बाद बोलता है सपोज करो इफ इन द अबव सम इट वाज गिवन पी रेशियो इज 5, पी रेशियो सम में मान लो 5 दिया हो, मैम व्हाट इज दिस पी रेशियो? प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय ई, प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग का मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। दोनों डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ईपीएस, पी रेशियो। अब एक बात बताओ, मान लो सब में पी रेशियो दिया हुआ है, अब आपको बोल रहा है फाइंड आउट द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंबाइंड एंटिटी आफ्टर मर्जर, बोल रहा है एमपीएस निकाल के दीजिए आफ्टर मर्जर। व्हाट इज द एमपीएस आफ्टर मर्जर? तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको बोल रहे एमपीएस निकालने आफ्टर मर्जर, अगर मैं पी रेशियो, ये रहा पी रेशियो, इसमें अगर मैं ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ईपीएस ईपीएस कट गया, बचा ना एमपीएस। सो कैन आई से एमपीएस का फॉर्मूला हो गया पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। पी रेशियो तो सब में दे ही दिया, ईपीएस अभी हम लोग निकाले हैं, मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस निकाले ना, अर्निंग पर शेयर कितना आया था? 10 रुपीज आया था ना, 10 रुपीज पर शेयर, और पी रेशियो इज गिवन इन द सम, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया? पी रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है? 5। ईपीएस कितना निकाले हम लोग? 10। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया मर्ज एंटिटी का? 50 रुपया। बोलो कोई डाउट है क्या? एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? पी रेशियो का फॉर्मुला इज व्हाट? प्राइस बाय अर्निंग्स। प्राइस का मतलब हुआ मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग्स का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर। दोनों को डिवाइड करोगे तो आ गया मेरा पी रेशियो। अगर सवाल में पी रेशियो दिया हुआ है, अरे बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो करना क्या, ईपीएस से मल्टीप्लाई करिए, एमपीएस निकालिए, और क्या, खेला खत्म, खेला खत्म। आर वी थ्रू विद दिस? टेल मी गाइस, आर यू गाइस एंजॉयिंग द लेक्चर और नॉट? हाउ इज द एनर्जी लेवल? इट शुड बी वेरी वेरी हाई। यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव, यू हैव टू बी रिएक्टिव। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सुरेंद्र। नाउ 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 ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अभी आपको मैंने बोला स्वैप रेशियो ना हमें सब में निकालना पड़ता है। ओके मैम, निकाल लेंगे। तो अभी मैंने आपको बोला बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ स्वैप रेशियो, है ना? नाउ यू नो द स्वैप रेशियो कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, जो कि अभी हमने किया था। स्वैप रेशियो कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? ईपीएस ऑफ द टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाई ईपीएस ऑफ द अक्वायरिंग कंपनी, है ना? जब 2:1 आया, 20 वॉज द ईपीएस ऑफ द बी लिमिटेड एंड 10 वॉज द ईपीएस ऑफ द ए लिमिटेड, 20/10, 2:1 आया ना। सो स्वैप रेशियो कैन बी डन बाई क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। स्वैप रेशियो कैसे निकल सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। बट क्या जरूरी है खाली ईपीएस के बेसिस पे आप स्वैप रेशियो निकालो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्वैप रेशियो अलग अलग बेसिस पे निकाल सकते हो। आपको पता है स्वैप रेशियो कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी मैम फिर दोनों कंपनी का अलग अलग प्री मर्जर मार्केट प्राइस दिया रहेगा क्या? हाँ दिया रहेगा। तो मैम कैसे पता चलेगा ईपीएस के बेसिस पे निकालना है कि एमपीएस? सम्स मेट विल बी क्लियरली रिटेन कि व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो कंप्यूटेशन। सब में लिखा रहेगा कि आपको एमपीएस के बेसिस पे निकालना है स्वैप रेशियो कि ईपीएस के बेसिस पे निकालना है, या फिर इट कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी। यू हैव हर्ड अबाउट एनएवी, नेट असेट वैल्यू। एनएवी का मतलब क्या है मेरे को बताओ? नेट असेट वैल्यू। मैम व्हाट इज दिस नेट असेट वैल्यू? बैलेंस शीट कभी बनाया है? हाँ मैम बनाया है। तो टोटल असेट, पूरा असेट को ऐड कर दो, उसमें से ना आप लेस कर देना आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी बोले तो कौन हो गए? क्रेडिटर वगैरह, लोन्स वगैरह। आउटसाइड लायबिलिटी को लेस कर दो, डिवाइड कर दो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से, तो मेरा क्या आ जाएगा? एनएवी। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी बोलेगा स्वैप रेशियो निकालने, तो ये सब डिटेल आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों कंपनी का असेट भी दिया रहेगा, आउटसाइड लायबिलिटी दिया रहेगा, टोटल इक्विटी शेयर तो अभी भी दिया था मैंने सब में, दिया हुआ ही रहेगा। दैट विल गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म बताओ? नेट असेट वैल्यू। क्या बोला मैंने? नेट असेट वैल्यू, क्लियर? एनएवी पर शेयर, या फिर इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बीवी पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। स्वैप रेशियो कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? बीवी पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, या फिर पी रेशियो के बेसिस पे, या किसके बेसिस पे निकल सकता है? पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, एमपीएस बाय ईपीएस। तो मैम बुक वैल्यू कैसे निकलता है? अरे बुक वैल्यू वैल्यूएशन में हम लोग निकालेंगे भर भर के, बट इट इज वेरी इजी, यू शुड नो। बुक वैल्यू कैसे निकलेगा शेयर का बताओ? बुक वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू का मतलब क्या हो गया बताओ ना? बुक वैल्यू, हाउ विल यू ऑब्टेन बुक वैल्यू? कम ऑन गाइस टेल मी, बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ विल यू ऑब्टेन द बुक वैल्यू? टेल मी।
बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? टेल मी गाइस, बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? अरे जो आप लोग नेटवर्थ नहीं निकालते हो, पूरा ऐड कर लो, है ना? इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एटसेट्रा, पीएल क्रेडिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं? डन। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द स्वैप रेशियो। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कितना बार दे गिव यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वैप रेशियो। तो स्वैप रेशियो का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? स्वैप रेशियो का मतलब हुआ हाउ मेनी शेयर्स ऑफ अक्वायरिंग कंपनी इज बीइंग गिवन फॉर एवरी वन शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, कि जो अक्वायरिंग कंपनी है वो क्या चाहेगा, स्वैप रेशियो हाई हो कि स्वैप रेशियो लो हो? और टारगेट कंपनी क्या चाहेगा, स्वैप रेशियो हाई हो कि लो हो? बताओ, टेल मी गाइस। आपको पता है अक्वायरिंग कंपनी क्या चाहेगा कि उसको कम से कम शेयर देना पड़े अपना, तो वो चाहेगा कि स्वैप रेशियो जितना लोअर है वो अच्छा है। और जो टारगेट कंपनी है वो तो चाहेगा जितना ज्यादा ज्यादा शेयर मिल जाए मेरे लिए अच्छा है। जैसे अभी मेरे एग्जांपल में टारगेट कंपनी वाज इन अ फेवरेबल सिचुएशन बिकॉज द स्वैप रेशियो वाज हाई 2:1, उसको एक शेयर की बदली दो शेयर मिल रहा है, तो वो चाहेगा स्वैप रेशियो जितना हाई हो उसके लिए अच्छा है कि नहीं? टारगेट कंपनी चाहेगा स्वैप रेशियो हाई होना, अक्वायरिंग कंपनी चाहेगा स्वैप रेशियो लो होना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब भी पूछता है एग्जाम में, मैनेज कर लोगे क्या? तो ये पूरा मैंने आपको प्रिलिमिनरी डिस्कशन करवा दिया, बताओ किसका? इंट्रोडक्शन का। एकदम इजी था, यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं? बताओ, वापस एक बार देख लो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा क्या कि मर्जर दो तरीका होता है, मर्जर थ्रू अब्सॉर्प्शन या मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो मर्जर होता है तो अक्वायरिंग कंपनी को टारगेट कंपनी का पीसी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, विच कैन बी डन आइदर थ्रू कैश डील और स्टॉक डील। फिर हमने सीखा स्टॉक डील में क्या होता है, स्वैप रेशियो डिसाइड होता है, या तो सब में दिया रहेगा या तो हमें निकालना है, जिसका बेसिस मैंने बोला आइदर इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस और इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी या बुक वैल्यू पर शेयर या पी रेशियो या मार्केट वैल्यू पर शेयर, वो दिया रहेगा सब में, ठीक है? फिर ईपीएस का फॉर्मूला सीखा, पैड बाई आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना? और स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा कोई भी आप बेसिस लो, ऊपर में हमेशा टारगेट कंपनी रहेगी और नीचे में एक्वायरिंग कंपनी रहेगी। और स्वैप रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आप टारगेट कंपनी के एक शेयर के बदले में अपने कंपनी का कितना शेयर इशू कर रहे हो, है ना? क्लियर है? मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस क्या हो गया, पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी प्लस सिनर्जी डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। मैम इतना सारा चीज आपने पढ़ा दी, हम लोगों ने तो कुछ लिखा ही नहीं, चार पेज छोड़ देना अपने कॉपी में ये नोट्स को जॉट डाउन करने के लिए। तो मैम आप ये नोट्स हमें दे दोगे क्या? हाँ दे देंगे, अननेसेसरीली डिक्टेशन में टाइम वेस्ट होगा ना, तो मैं आपको नोट्स का लिंक पिन कर दूंगी, आप वो नोट्स कॉपी कर लेना अपने कॉपी में। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल सम्स डिस्कस करना चालू करेंगे, ये आज का प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ। अब जितना डिस्कशन किया इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल सवाल करेंगे। मैं आपको इसके पहले ना एक चीज और दिखा देती हूँ कि ये नोट्स कैसा है। ये रहा देखो नोट्स, ये एकदम खूबसूरत नोट्स है, एक बार और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। मर्जर का डेफिनेशन कर लिया क्या? हाँ मैम कर लिया। मर्जर रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग फर्म कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। मर्जर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन, मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। मर्जर का बेनिफिट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट, सिनर्जी, टैक्स बेनिफिट होता है एटसेट्रा। अब हो रहा है टारगेट कंपनी का जो वैल्यूएशन करोगे ना किसके बेसिस पे करते हो, कंपैरेटिव रेशियो हो सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, करेंगे हम लोग डिस्कस। कंपैरेटिव रेशियो सब है इसके ऊपर, सम्स है आपके सिलेबस में, करेंगे हम लोग। सिनर्जी का मतलब क्या हुआ, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ मर्जर, है ना? मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय एक्वायरिंग कंपनी दो मैंने बोला, कैश या फिर स्टॉक एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज। फिर क्या बोला मैंने, स्वैप रेशियो कंप्यूट करने का अलग अलग मेथड्स क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग प्राइस पर शेयर, एनएवी पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, पी रेशियो। स्वैप रेशियो का डेफिनेशन पढ़िए, इट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड बाय द एक्वायरिंग कंपनी टू द टारगेट कंपनी फॉर एवरी वन शेयर हेल्ड बाय द टारगेट कंपनी। चेक इट आउट, पढ़ो इसको, कोई डाउट है तो पूछो, प्लीज रीड इट गाइज।
एंड टेल मी आर यू गाइज फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर. मज़ा आ रहा है. आर यू गाइज इंजॉइंग द लेक्चर. आई वॉन्ट योर फीडबैक. आर यू गाइज इंजॉइंग द लेक्चर. शुड आई गो स्लो और इज द स्पीड ओके. सब बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर. ओके 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 ओके. थैंक यू सो मच रोहित फॉर योर कमेंट. ओके फिर देखो फॉर्मूला. नाउ दे आर गिविंग यू दिस फॉर्मूला. स्वैप रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है. मुंह जवानी याद हो गया. ईपीएस ऑफ द टारगेट कंपनी बाय ईपीएस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी. या बोल एमपीएस ऑफ द टारगेट कंपनी बाय एमपीएस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी. है ना, ऊपर में हमेशा टारगेट कंपनी. चाहे ईपीएस ले लो, चाहे एमपीएस ले लो, चाहे बुक वैल्यू ले लो, चाहे एनएवी ले लो, चाहे पी रेशियो ले लो, ऊपर में टारगेट, नीचे में एक्वायरिंग. आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने ईपीएस का फॉर्मूला लिख दिया है. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी दैट इज पैट डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एमपीएस का फॉर्मूला क्या बताओ. पी रेशियो को ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एमपीएस. पी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताओ. प्राइस बाय अर्निंग, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर. एनएवी कैसे निकलेगा बताया ना मैंने. टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. वेरी सिंपल. क्लियर है. मेरे एग्जांपल में मैंने ए को एक्वायरिंग कंपनी लिया था, बी को क्या लिया था, टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी बोल लो या वेंडर कंपनी बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर मर्जर. एक फॉर्मूला लगा दिया. अरे बताओ ना क्या था. मर्जर के बाद आउटस्टैंडिंग शेयर कैसे निकाल रहे थे. ऑलरेडी जितना आउटस्टैंडिंग शेयर था ए लिमिटेड का प्लस बी लिमिटेड को जितना आपने शेयर दिया, और बी लिमिटेड को आपने कितना शेयर दिया, जितना बी लिमिटेड का शेयर खरीदा मल्टीप्लाइड बाई स्वैप रेशियो. 4 लाख आया था ना, 2 into 2, 2 लाख उसका शेयर था ना, प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2:1 स्वैप रेशियो. तो देखो फॉर्मूला लिख दिया, एन ए प्लस एन बी इंटू ई आर. देख के डर जाएगा आदमी, बाप रे एन ए एन बी ई आर क्या है. अरे एन ए मतलब क्या हो गया, अक्वायरिंग कंपनी यानी ए लिमिटेड का शेयर प्लस बी लिमिटेड को आपने जितना दिया. बी को कितना दिया, जितना उसका शेयर था 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई स्वैप रेशियो 2:1 4 लाख हुआ ना. और ए का कितना ऑलरेडी शेयर था, 1 लाख था, 5 हो गया ना, निकाला था ना 5 लाख. 5 लाख निकाला था कि नहीं निकाला था, बोलो ना. 5 लाख निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था. फिर उसके बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस बोल रहा है कैसे निकालेंगे. मर्जर के बाद ईपीएस का वैल्यू कैसे निकलेगा, वेरी इजी. कैसे निकलवाया था बोलो. ए लिमिटेड का जितना अर्निंग था 10 लाख प्लस बी लिमिटेड का जितना अर्निंग था 40 लाख. सिनर्जी गेन इफ एनी ऐड करो नहीं तो इग्नोर. 50 लाख था ना, डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 5 लाख. 10 रुपए आया था ना ईपीएस. तो अर्निंग्स ऑफ ए लिमिटेड प्लस अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड प्लस सिनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. ये जो अभी आपने स्टेप वन में निकाला, जो मेरा कितना आया था 5 लाख, डिवाइड कर दिया. क्लियर है. अब बोल रहा है क्या, पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे निकालेंगे. मैंने बोला पी रेशियो दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग प्री मर्जर वाला ही ले लेंगे पी रेशियो. तो पी रेशियो से मल्टीप्लाई किया ना ईपीएस को, जो 10 आया था मेरा, 50 रुपया मार्केट वैल्यू निकला था ना, तो वही आ गया मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर मर्ज एंटिटी का. ईपीएस ऑफ द कंबाइंड एंटिटी ए प्लस बी जहां आ रहा है इसका मतलब क्या, मर्ज एंटिटी कंबाइंड एंटिटी मल्टीप्लाइड बाई पी रेशियो. पी रेशियो दिया था ना मैंने 5, पी रेशियो वॉज गिवन इन माई सम ना 5. क्लियर है. अब और अगर पी रेशियो नहीं दिया तो आप कैसे निकालोगे, तो निकाल लेना मार्केट प्राइस ऐड करके. मार्केट वैल्यू ए का पहले कितना था, बी का पहले कितना था, प्लस सिनर्जी जितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा मर्ज एंटिटी का. ओके फिर इक्विवेलेंट ईपीएस निकालते हैं हम लोग ऑफ द टारगेट कंपनी इन द मर्ज फर्म. नो व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट ईपीएस, मैं बताती हूँ. देखो इक्विवेलेंट ईपीएस क्या हो गया, एक्वायरिंग कंपनी का ईपीएस तो देखो ना उतना ही आ रहा था 10. अभी बोल रहा है इक्विवेलेंट ईपीएस किसके बारे में बोल रहा है, इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी पूछ रहा है. टारगेट कंपनी का इक्विवेलेंट ईपीएस क्यों आता है, मतलब कि वो पहले कितना शेयर होल्ड कर रहा था, एक, उसके बदले में उसको दो दो शेयर मिला ना. तो जो मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस आया ना, ईपीएस मर्ज्ड एंटिटी का यानी ए प्लस बी का, उसको मल्टीप्लाइड करोगे स्वैप रेशियो से तो आ जाएगा क्या,
टारगेट कंपनी का इक्विवेलेंट ईपीएस। तो मर्ज एंटिटी का ईपीएस कितना आया था 10 और स्वैप रेशियो कितना है 2:1, यानी उसके लिए ईपीएस कितना हो गया 20 रुपया ना। कैसे हुआ मैम 20 रुपया? अरे आप समझो ना, पहले तो उसके पास एक शेयर हुआ करता था ना, अभी वो एक की जगह दो शेयर होल्ड कर रहा है तो अर्निंग्स भी उसको डबल डबल मिलेगा ना, तो उसके लिए इक्विवेलेंट ईपीएस कितना हो गया 20 रुपया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? उसको तो एक की जगह दो शेयर मिल गया ना एक शेयर के बदले में, तो उसका ईपीएस भी तो डबल हो गया। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट ईपीएस हमेशा किसके पर्सपेक्टिव से निकलता है? टारगेट कंपनी, और अक्वायरिंग कंपनी का वही रहेगा जो पोस्ट मर्जर ईपीएस आया 10 रुपया आया था। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ द टारगेट कंपनी 20 रुपीज। वैसे इक्विवेलेंट एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या उसका एक्रीशन हुआ है कि उसका डाइल्यूशन हुआ है। एक बात बताओ, जो मेरा टारगेट कंपनी है ना, टारगेट कंपनी का प्री मर्जर ईपीएस कितना था? प्री मर्जर ईपीएस उसका प्री मर्जर ईपीएस 20 ही था। प्री मर्जर ईपीएस 20 था ना, देखो ये रहा 20 था, प्री मर्जर ईपीएस 20 था। और अभी पोस्ट मर्जर ईपीएस भी कितना आया उसका? पोस्ट मर्जर इक्विवेलेंट ईपीएस भी कितना आया 20। तो ना तो उसको गेन हुआ ना तो लॉस हुआ, नेट गेन नेट लॉस उसका क्या है? जीरो। ना एक्रीशन हुआ ना डाइल्यूशन हुआ। आज मान लो पोस्ट मर्जर ईपीएस उसका 30 आ गया होता तो एक्रीशन हो जाता 10 रुपया का, या पोस्ट मर्जर ईपीएस उसका 10 आ गया होता कम प्री मर्जर से तो उसका क्या हो गया होता? डाइल्यूशन, 10 रुपया उसका गिर गया। तो ये सब आप सम्स करते करते सीख जाओगे, देयर इज नो एज सच यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर इट। वो अलग बात है कि आपको जो है लोग फॉर्मूला बोल बोल के रटाते हैं, बट मेरे क्लासेस में ना फॉर्मूलाज वगैरह नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। ठीक है, तो यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं बताइए फटाफट। आर बी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? तो वही यहां पे बोल रहा था, देख लो एक बार, देखो गेन और लॉस ऑन मर्जर। बी लिमिटेड मेरा कौन है बताओ? बी लिमिटेड मेरा टारगेट है, ए लिमिटेड मेरा एक्वायरिंग है। तो आफ्टर मर्जर ईपीएस कितना है, बिफोर मर्जर ईपीएस कितना है, गेन लॉस निकाल लो। एब्सोल्युटली क्लियर, गेन और लॉस ऑन मर्जर इसको बोलते हैं। और इक्विवेलेंट ईपीएस कैसे निकलता है टारगेट कंपनी का? जो अभी ईपीएस आया नया मल्टीप्लाइड बाई स्वैप रेशियो। ईआर मीन्स वॉट? एक्सचेंज रेशियो, ऑल्टरनेटिवली कैन बी कॉल्ड एज वॉट? स्वैप रेशियो। ए लिमिटेड एंड एक्वायरिंग कंपनी ऑलवेज वॉन्ट्स द स्वैप रेशियो टू बी लो, बी लिमिटेड ऑलवेज वॉन्ट्स द स्वैप रेशियो टू बी हाई। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? ए लिमिटेड हमेशा क्या चाहेगा? स्वैप रेशियो कम हो, अक्वायरिंग कंपनी है। और बी लिमिटेड हमेशा क्या चाहेगा? स्वैप रेशियो ज्यादा हो। चेक करो ये गेन लॉस वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, प्लीज चेक इट। चेक बोथ ऑफ दीज टू न्यू फॉर्मुलाज दैट वी हैव डन। इक्विवेलेंट ईपीएस का फॉर्मूला क्लियर है, गेन और लॉस ऑन मर्जर क्लियर है। क्लियर है तो मुझे बताओ क्लियर है, ताकि मैं सम्स प्रोसीड करूं सम्स की तरफ। चेक दिस पार्ट, और ये पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स यू हैव टू जॉट डाउन इन द कॉपी। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? यू कैन ज्वाइन मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक, डू नॉट वरी। मैंने हर जगह शेयर कर दूंगी, बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि बिना लिखे ना होगा नहीं, हैंड रिटन नोट्स लिखना जरूरी है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल सम्स डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैट। उसके अलावा मेरा भी जो मैट है वो आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है? एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क मी गाइज। आपको इसको लेके कोई भी कन्फ्यूजन आप मेरे से पूछो, मैं वेट कर रही हूँ। कम ऑन गाइज, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स थिंग्स आर गेटिंग क्लियर और नॉट।
Yes, I will be sharing. Do not worry. I'll be sharing it later on. Do not worry for it. Tell me, guys, can we proceed with the session? Things are getting clearer or not? Yes. So once again, we are just revising the formula before starting with the sum. Swap ratio ka matlab batao kya hota hai? Swap ratio ka matlab hua acquiring company apna kitna share de raha hai for every one share of the target company. Swap ratio ka formula kya hoga? Either EPS of the target company by EPS of the acquiring company, ya MPS of the target company by MPS of the acquiring company, ya P ratio of the target company by P ratio of the acquiring company, ya book value of the target company by book value of the acquiring company, ठीक है, या NAV of the target company by NAV of the acquiring company, anything. फिर हम लोगों ने सीखा क्या, equivalent EPS कैसे निकलता है, उसके लिए हम लोग को post merger EPS निकालना होगा. post merger EPS कैसे निकलता है, EPS of A limited plus EPS of B limited plus synergy if they are add otherwise ignore divided by total outstanding share after merger, है ना. तो ये मेरा क्या आ जाएगा, post merger EPS, clear है. और total outstanding shares कैसे आता है, A limited का जितना share था plus अभी आपने बी लिमिटेड को कितना शेयर दिया, बी लिमिटेड को आप कितना शेयर दे रहे हो, जितना उनका आउटस्टैंडिंग शेयर था मल्टीप्लाइड बाय द स्वैप रेशियो. आर वी थ्रू विद दिस? फिर इक्विवेलेंट ईपीएस किसका निकलता है, टारगेट कंपनी का. कैसे निकलता है, जो कंबाइंड ईपीएस आया है पोस्ट मर्जर के बाद मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो. क्लियर है, थिंग्स आर क्लियर और नॉट? पी रेशियो अगर सब में दिया है, पोस्ट मर्जर ईपीएस आपने निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर. एमपीएस कैसे निकलता है, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो. एब्सोल्युटली क्लियर गाइस? फिर गेन और लॉस ऑन मर्जर हम लोगों ने निकाल लिया. ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का मर्जर के पहले क्या वैल्यू था, मर्जर के बाद क्या है, गेन है या लॉस है, निकाल लो. ए लिमिटेड जो एक्वायरिंग कंपनी है वो हमेशा चाहेगा स्वैप रेशियो कम हो, और बी लिमिटेड जो टारगेट कंपनी है वो हमेशा चाहेगा स्वैप रेशियो ज्यादा हो, हायर, हायर द बेटर फॉर द टारगेट कंपनी. और अभी जो हमने इलस्ट्रेशन किया वहां स्वैप रेशियो टारगेट कंपनी का हायर था. राइट डाउन द मास्टर सम, फटाफट टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग द एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, वी आर राइटिंग इट डाउन इन अवर कॉपी. लिखो फटाफट, राइट डाउन गाइज. A limited, B limited, EPS, outstanding shares, 1 lakh, 2 lakhs, 10 rupees, 20 rupees, it was given. Total number of outstanding shares, after merger, solve it. I hope you can solve this. Waiting for you guys, solve it fast. This is a master sum. Once you are done, please let me know, guys.
ओएस का मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग है, हाँ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस के बगल में मैंने रुपीज का साइन दिया, 10 रुपीज 20 रुपीज, अर्निंग पर शेयर। You always have to interpret the meaning of swap ratio in your exam. I'm also showing you how to write the answers in the exam. Okay? You are always supposed to interpret swap ratio kya hota hai. This means for every one share of BA Limited, two shares of A Limited will be given. Swap ratio ka matlab aapko likhna hoga exam mein kya hota hai. So this is the exact format that you have to do in your exam. Hai na? टारगेट कंपनी का ईपीएस वॉज 20, अक्वायरिंग का 10, तो 20/10, 2:1। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालना है। आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ ए लिमिटेड बिफोर मर्जर प्लस नंबर ऑफ शेयर इशूड टू क्या, बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का कितना है, 1 लाख, प्लस बी लिमिटेड को कितना शेयर इशू किया, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई स्वैप रेशियो, टोटल कम्स टू 5 लाख्स, टोटल कम्स टू 5 लाख्स। और नंबर ऑफ शेयर इशू टू बी लिमिटेड कैसे है वो भी लिख लेना, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ बी लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय क्या, स्वैप रेशियो। बताओ यहां तक हुआ कि नहीं, एवरीवन हैज डन टिल हियर, क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर है, कैन वी प्रोसीड, फास्ट 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 गाइज, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। नंबर 3, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है अब, तो ईपीएस ऑफ ए प्लस ईपीएस ऑफ बी प्लस सिनर्जी, जो कि सब में नहीं दिया हुआ है तो इग्नोर करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, जो मेरा कितना है 5 लाख्स। सो 10 + 40 डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर। एमपीएस क्या होगा, ईपीएस पोस्ट मर्जर जो है ए प्लस बी लिख सकते हो इनटू पी रेशियो, पी रेशियो इज गिवन इन द सम, तो 10 आया ईपीएस अभी हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 5 which is given in the sum, P ratio was 5 given in the sum. Clear hai? Tell me guys, are we through with this or not? Are we through with this or not? Bolo, ye wala sum clear hai ki nahi? Any doubt, any confusion, any sort of confusion guys?
वेरी गुड. इफ यू आर थ्रू विद दिस कैन वी प्रोसीड. थम्स अप का साइन दे दो सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको अपना पूरा का पूरा जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन का नोट शेयर कर दूंगी अलॉन्ग विद द यू नो रिवाइज्ड एडिटेड नोट्स आई एम गोइंग टू शेयर यू. उसके अलावा ये सम्स मेरे नोट्स में भी रहेगा. अगर आपको मेरे नोट्स को जो है फॉलो नहीं करना है, आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का मैट भी फॉलो कर सकते हो. आई विल टेल यू द पेज नंबर विथ सम वी आर गोइंग टू डू लाइन बाय लाइन वी आर गोइंग टू डू दैट. यस, तो पूरा मैंने नोट्स आपके लिए रिवाइज किया है एज पर दी लेटेस्ट न्यू सिलेबस. ओके, विच वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन, डू नॉट वरी. अभी हम लोग स्टेट अवे सम्स के लिए चल रहे हैं. ये पूरा पूरा मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी. नाउ स्टेट अवे मूविंग ऑन टू द सम्स पार्ट. यस, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स. You can take out your page number 561 of your institute mat. If you are having your institute ka mat, you can take it out. ठीक है, और otherwise I will be giving you this PDF. मैं आपको पहले से शेयर कर दूंगी सो दैट नेक्स्ट लेक्चर तक यू विल बी रेडी विद दिस PDF. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू योर क्वेश्चन नंबर 3. मैं ये पूरा का पूरा नोट्स पीडीएफ सर्कुलेट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में भी, सो डू नॉट वरी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. बताओ किस क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ. राघव लिमिटेड, राघव लिमिटेड आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 562. सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट पेज 562 ऑफ योर इंस्टीट्यूट मैट. यू कैन ओपन और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली फॉलो फ्रॉम माई पीडीएफ विच आई एम गोइंग टू शेयर यू. ऑल राइट, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. पूरा हम लोग नया का नया सम्स कर रहे हैं जो आपके मैट में है. एग्जैक्टली ठीक है, तो यू विल फाइंड राघव लिमिटेड वाला सम. वी आर डूइंग इट राइट नाउ. राघव लिमिटेड इज इंटेंडिंग, सो टेक आउट योर कॉपी. कॉपी में आप यहीं पे लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. राघव लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू अक्वायर सौरव लिमिटेड बाई मर्जर एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनीज. यानी राघव लिमिटेड कौन हो गया बताओ, अक्वायरिंग कंपनी, और सौरव कौन हो गया मेरे को बताओ, टारगेट कंपनी. क्या क्या दिया हुआ है मेरे को बताओ, टोटल करेंट अर्निंग्स दिया हुआ है, यानी ये पैट दिया हुआ है सम में. अक्वायरिंग कंपनी का 2.5 लाख, टारगेट कंपनी का 90,000, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है 50,000, 30,000, है ना. तो बोल रहा है वॉट इज द प्रेजेंट EPS ऑफ बोथ द कंपनीज. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर. तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे आंसर. वन का लिखोगे दोनों कंपनी का, हम लोग को क्या निकालना है, प्रेजेंट EPS किसका किसका बताओ, अक्वायरिंग और टारगेट. तो एक तरफ आप लिखो राघव लिमिटेड और एक तरफ आप क्या लिखोगे, सौरव लिमिटेड, है ना. दोनों का हमें क्या निकालना है बताओ, EPS. EPS का फॉर्मूला यू नो, पैट डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो एक तरफ आप पैट लिखो और एक तरफ दोनों का आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स लिखो नंबर. पैट कितना कितना है, 2.5 लाख है और 90,000, सो 2,50,000 एंड हियर यू आर गोइंग टू राइट 90,000. आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 50 और 30, 50,000 30,000. तो EPS आ जाएगा ना 1/2 करके. ठीक है, और एक बार फॉर्मूला भी लिख दोगे तो बेटर रहेगा, पैट डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स. सो प्लीज फाइंड इट आउट, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 आपने किया तो पैट EPS मेरा कितना आ गया, 5 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज आ गया. सिमिलरली यहाँ पे आप करोगे 90,000 डिवाइडेड बाई 30,000, सो वॉट विल बी द आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट, 3 रुपीज. तो दोनों का EPS आ गया. बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या. सो वी हैव ऑब्टेन द EPS फॉर बोथ द कंपनीज. क्लियर है. चलो, इफ द प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस वॉट वुड बी द न्यू
अर्निंग पर शेयर न्यू रिवाइज ईपीएस यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है. अज्यूमिंग दैट द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर यानी स्टॉक डील एंड एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड है, करेंट मार्केट प्राइस पे. सो दिस टाइम दे आर टेलिंग यू एक्सचेंज रेशियो इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस बट ऑन द बेसिस ऑफ करेंट मार्केट प्राइस. तो करेंट मार्केट प्राइस दोनों का दिया 21 रुपया और 14 रुपया, तो हम लोग निकाल लेंगे. सो लेट अस कंप्यूट स्वैप रेशियो. तो स्वैप रेशियो क्या होगा मेरे को बताओ, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी जो कि मेरा क्या है यहाँ पे सौरव, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी जो कि यहाँ पे मेरा क्या है राघव. तो बताओ दोनों का मार्केट प्राइस कितना कितना दिया हुआ है, 21 फॉर राघव एंड सौरव का 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 21, 14 डिवाइडेड बाय 21 यानी 2:3 हो गया ना, 2:3 है ना. दिस मींस क्या, दो शेयर एक्वायरिंग कंपनी अपना देगा फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी. तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राघव जो है वो अपना 2 शेयर देगा बदले में 3 शेयर ऑफ क्या सौरव का. समझ में आ रहा है, या अदरवाइज आप इसको डेसिमल में निकाल लो, 2:3 मतलब कितना हो गया वो लिख लो डेसिमल में, या 2:3 ले सकते हो. दिस इज अ स्वैप रेशियो. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर दैट फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ सौरव राघव लिमिटेड विल गिव इट्स 2 शेयर, है ना. जो पहला शेयर होता है वो किसका होता है, एक्वायरिंग कंपनी का. एक्वायरिंग कंपनी अपना 2 शेयर देगा फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी. हो गया एकदम क्लियर है यहाँ तक, तो ये मेरा आ गया स्वैप रेशियो, कोई दिक्कत. तो अब हम लोग निकालेंगे कितना शेयर्स देगा. तो शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा मुझे बताओ, शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा, सौरव को कितना शेयर देंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ सौरव मल्टीप्लाइड बाई स्वैप रेशियो. सौरव का आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, 30,000 है. सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना हो गया 20,000 शेयर. यानी टोटल कितना शेयर्स देगा, 20,000. यानी अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या हो गया मर्ज्ड एंटिटी का, ऑलरेडी जितना था राघव का प्लस न्यू इशू ना, न्यू इशू किया 20,000 और ऑलरेडी उसके पास कितना शेयर था 50,000. यानी 50,000 प्लस अभी नया इशू कितना किया 20,000, यानी अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना हो गया 70,000. तो टोटल मर्ज्ड एंटिटी का शेयर्स कितना हो गया 70,000. बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, टेल मी गाइस, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, आर यू डूइंग दिस सम इन योर कॉपी विद मी. बहुत ईजी है बताओ, मास्टर सम करने के बाद ये सब सवाल बहुत ईजी लगने वाला है. क्लियर है, अब निकालना हम लोग को पोस्ट मर्जर ईपीएस न्यू अर्निंग पर शेयर. तो आउटस्टैंडिंग शेयर आ गया, कंबाइंड पैट भी निकाल लो, राघव प्लस सौरव का कंबाइंड पैट कितना होगा बताओ. ऑलरेडी इन लोग का कितना कितना था इंडिविजुअली, 2.5 लाख और 90,000, और सिनर्जी का बेनिफिट तो कुछ दिया हुआ नहीं है. तो 2.5 लाख प्लस 90,000 लेके करोगे, 2.5 लाख प्लस 90,000 कितना हो गया बोलो, 2,50,000 प्लस 90,000 हाउ मच, कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स, गिव मी द फिगर्स. 2.5 लाख प्लस 90,000 कितना हो गया, 3,40,000 रुपया हो गया ना. तो अब बताओ कंबाइंड पैट कितना होगा, फॉर्मूला लिख लेना. हाँ फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूं, कंबाइंड पैट नहीं कंबाइंड ईपीएस निकाल रहे ना, सॉरी कंबाइंड अर्निंग पर शेयर कितना होगा, कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर विच इज कितना 70,000. तो कंबाइंड अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 70 करोगे कितना आएगा डेसिमल में बताओ, इट विल कम अप्रोक्सीमेटली कितना 4 point something आएगा ना, 4 point कितना आ रहा है बताओ, टेल मी द वैल्यू, टेल मी द वैल्यू गाइस, टेल मी द वैल्यू, टेल मी द वैल्यू कितना आ रहा है, 4.857 विच इज 4.86 अप्रोक्सीमेटली, 4.86 है ना, 4.857 मतलब क्या 4.86. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड ईपीएस विच यू हैव गॉट, वेरी सिंपल. अब आपको समझ में आ रहा है द सम्स दैट वी आर डूइंग, दिस काइंड ऑफ सम कम्स फॉर 8 marks इन योर एग्जाम. सो सच ए सिंपल सम,
ओनली रिक्वायर्स योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ये 3 पार्ट्स 6 से 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है. तो बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं. मैम आ रहा है कॉन्फिडेंस? बताओ. चलो अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो पार्ट 3 अपने आप करिए. ट्राई सॉल्विंग आउट पार्ट नंबर 3 ऑन योर ओन. What should be the exchange ratio if Saurav Limited wants to ensure the same earnings to the member as before the merger took place? बोल रहा है earnings same रखना है, earnings change नहीं करना है. तो आप swap ratio EPS के basis पे निकालो ना. जैसे याद है master sum में हमने swap ratio EPS के basis पे निकाला था. तो आपने एक चीज notice किया होगा, जो pre-merger EPS और जो post-merger EPS था वो मेरा same था, 10 rupees. तो अगर आप चाहते हो अर्निंग चेंज ना हो, कंबाइंड फर्म का प्रीवियस फर्म का ही रहे, तो आपको स्वैप रेशियो किसके बेसिस पे निकालना चाहिए? ईपीएस और ना कि एमपीएस के बेसिस पे. तो आप पार्ट 3 में क्या लिखोगे कि अगर आप चाहते हो स्वैप रेशियो, इफ इफ वी वांट, इफ वी वांट द ईपीएस टू रिमेन अनचेंज्ड, then the swap ratio will be computed on the basis of earning per share. है ना? तो अब निकालो revised swap ratio, new swap ratio निकालो, revised swap ratio, earning per share of टारगेट कंपनी बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ क्या, अक्वायरिंग कंपनी. तो टारगेट कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है? देखो ऑलरेडी निकाला था ना हम लोगों ने ईपीएस कितना आया था. यस 5 और 3 यानी 3:5 हो गया ना. बताओ क्लियर है कि नहीं? 3:5 इज क्लियर और नॉट? टेल मी गाइस, 3:5 क्लियर है कि नहीं? 0.621 लिख लो अगर डेसिमल में लिखना है. दिस मींस क्या? फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ सौरव लिमिटेड राघव विल बी इशूइंग 0.6 शेयर, या फॉर एवरी 5 शेयर राघव अपना 3 शेयर देगा. लिख लो इसको, लिख लो. तो यानी अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना होगा बताओ? सबसे पहले निकालेंगे न्यू शेयर्स कितना देगा. राघव विल इशू कितना शेयर्स? ऑलरेडी जो आपका टारगेट कंपनी है उसका आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो. सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो जो कि आपका 0.6 आया है, तो कितना होगा? 18,000. इट विल कम टू 18,000. सो राघव विल इशू कितना? 18,000 शेयर्स ना, किसको? टू सौरव. तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इक्वल टू ऑलरेडी राघव का कितना शेयर था बताओ? राघव का 50,000 शेयर था ना, और अभी 18,000. तो 50,000 प्लस 18,000 कितना हो गया? 68,000 शेयर्स हो गया, राइट? 68,000 शेयर, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हो गया? 68,000, इजंट इट? तो अब निकालना है पोस्ट मर्जर ईपीएस. बहुत इजी है, निकाल लो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा. अच्छा अर्निंग्स तो टोटल कंबाइंड अर्निंग्स उतना ही रहेगा जितना पहले था. यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 3,40,000. अब 3,40,000 भाई आप क्या करोगे? 68,000 है ना, तो कर लो 3,40,000 डिवाइडेड बाय 68,000. हाउ मच यू आर गेटिंग? प्लीज टेल मी, गिव मी द आंसर. 3,40,000 बाय 68 करो, कितना आंसर आ रहा है? हाउ मच यू आर गेटिंग? आई थिंक यू आर गेटिंग एग्जैक्टली रुपीज फाइव पर शेयर. तो आ गया रुपीज फाइव पर शेयर आ गया ₹5 per share. एंड डिड यू नोटिस वन थिंग? आप चेक कर लेना आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं. प्री मर्जर ईपीएस भी कितना है एक्वायरिंग कंपनी का? ₹5 है ना. और पोस्ट मर्जर ईपीएस भी कितना है? 5 ही आया. दैट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली. अगर ये कुछ और आंसर आता दैट मीन्स योर आंसर वॉज रॉन्ग. तो मैम जो टारगेट कंपनी है उसका तो 5 नहीं था प्री मर्जर. अरे उसका इक्विवेलेंट निकालो उतना ही आएगा. इसका इक्विवेलेंट ईपीएस निकालो आपका उतना ही आएगा. इक्विवेलेंट ईपीएस कैसे निकालने बोला था? निकालो इक्विवेलेंट ईपीएस. हाउ कैन यू ऑब्टेन इक्विवेलेंट ईपीएस? टेल मी इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ द टारगेट कंपनी निकाल के दिखाओ. इक्विवेलेंट
ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी कितना होगा, निकाल के दिखाओ, जो पोस्ट मर्जर ईपीएस आया उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, स्वैप रेशियो से ना, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस 5 है और स्वैप रेशियो कितना है, 0.6 है ना, 0.6:1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 करोगे तो कितना आएगा, 3 आया ना, 3 रुपीज आया ना। और इसका भी देख लो, टारगेट कंपनी का प्री मर्जर ईपीएस 3 रहे, 3 रहा होगा पक्का, चेक कर लो, इट हैड बीन 3, तो सेम आ गया ना, अर्निंग्स इज सेम, इट हैज टू बी द सेम बिकॉज यू हैव कंप्यूटेड स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। टेल मी क्लियर है कि नहीं, चेक करो, देखो प्री मर्जर ईपीएस 3 था, देख लो टारगेट कंपनी का, और यहां पे भी 3 आया है, इक्विवेलेंट ईपीएस। टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट, ये वाला सम क्लियर है कि नहीं, इज दिस सम क्लियर ऑर नॉट गाइस, टेल मी, बताओ चैट बॉक्स में लिखकर, आर यू गाइस कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सम, बोलो कैसा लगा। अब ये सम यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 8 मार्क्स इन योर एग्जाम, बताओ कितना आसान है, मजा आ जाएगा, 8 मार्क्स बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरे एक स्माइल तो कर दो, और बोला रिक्वेस्ट करके वीडियो ऑन करो, आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ यू गाइज, कीप योर वीडियो ऑन इफ पॉसिबल। यस डन, इज इट डन, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करने का, प्लीज गाइज क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो अपने आप करने का, इंस्टीट्यूट के मैट का भी ये सवाल 4 ही है, 3 के बाद 4 देखोगे पेज 563 में मिल जाएगा, सेम टू सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुराग लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ बिनाई लिमिटेड विथ स्टॉक, रिलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवेन बिलो। अनुराग इज एक्वायरिंग कंपनी हियर और बिनय इज अ टारगेट कंपनी हियर, देख रहे हो मैंने बोला मैक्सिमम सवाल स्टॉक डील वाला है, वही शेयर डील वाला है, दोनों का प्रेजेंट पैट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी निकाल के दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, पी रेशियो दिया हुआ है इसकी, अब की बार मार्केट प्राइस बोल रहा है इच कंपनी का, यू नो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, ईपीएस को अगर मल्टीप्लाई करोगे पी रेशियो से निकल जाएगा ना, क्योंकि ई तो कट गया, बचा क्या पीपी, मतलब क्या हो गया मार्केट प्राइस, सो ऑब्टेन मार्केट प्राइस फॉर ईच कंपनी, तो यहीं पे निकल जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ईपीएस इंटू पी रेशियो 1.87, ये कितना आ गया 18.75, है ना। नेक्स्ट बताओ कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 कितना होता है, एनीवन गिव मी द वैल्यू, 5 इंटू 1.25 6.25, वेरी इजी 6.25, लिख लो यहाँ तक, राइट ऑन द फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई पी रेशियो, दोनों का निकाल लो, ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वेरी सिंपल, दोनों का एमपीएस इज डन, वेटिंग फॉर यू, यहाँ तक करो। I am waiting for you guys. Is it done? Done, 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 done. Second part भी कर लिया होगा। अरे outstanding share से multiply करना है, market cap नहीं आ जाएगा क्या? एक single share का market price दिया हुआ है, outstanding share दिया हुआ है, multiply करोगे तो market cap नहीं आ जाएगा each company का। निकालो मार्केट कैप क्या होगा, आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय इसका आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है 4 लाख, इसका आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है 2 लाख, टोटल मार्केट कैप आ गया ना, मार्केट कैप इज इक्वल टू क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। यस कितना कितना है बोलो, 18.75 इंटू कितना 4, कितना हुआ 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18.75, 75 लाख, बोलो क्लियर है कि नहीं, यानी इसका आ गया 75 लाख और 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख करोगे कितना आएगा 12.5 लाख, हो गया 75 लाख और 12.5 लाख, डन।
वेरी इजी, मार्केट कैप भी हो गया 1 और 2, वी आर डन। अगर पी रेशियो चेंज हो रहा है अनुराग का, तो क्या उसका मार्केट प्राइस चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज होगा, यू हैव टू टेक द रिवाइज्ड पी रेशियो। तो मेरे को बताओ, खाली अनुराग का चेंज हो रहा है बोल रहा है, तो अब अनुराग का हम लोग रिवाइज्ड मार्केट प्राइस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज्ड पी रेशियो ना, तो उसका ईपीएस तो वही रहेगा 1.875, बट रिवाइज्ड पी रेशियो कितना होगा 7.5। इनिशियली इट वॉज 10, नाउ वी आर टेकिंग इट एज 7.5। सो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 14.0625 आएगा। चेक करो, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो पहले इट वॉज कमिंग टू कितना, 18.75, नाउ इट इज 14.0625। यानी इसका मतलब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर फॉल हो गया है। तो लिखो मार्केट प्राइस फॉल हो गया है। डज द मार्केट वैल्यू ऑफ अनुराग लिमिटेड चेंजेस? यस इट चेंजेस, इट चेंजेस, है ना। और पूरा कंबाइंड मार्केट कैप कितना से चेंज हुआ है पूछ रहा है। तो कंबाइंड मार्केट कैप इसका पहले 75 लाख था, अभी अगर आप मार्केट कैप निकालोगे इसके हिसाब से तो कितना हुआ, 14.0625 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ रहा है, आउटस्टैंडिंग शेयर तो 4 लाख ही लोगे ना, 56.25 लाख आ रहा है। तो यानी पहले आपका 75 लाख था, अभी 56.25 लाख हो गया, तो डिक्लाइन हो गया ना, कितना से डिक्लाइन हुआ निकाल लो बाई हाउ मच इट हैज डिक्लाइंड, कितना से डिक्लाइन हुआ है मार्केट वैल्यू, कितना से डिक्लाइन हुआ है निकाल लो, टेल मी द फिगर, इट हैज डिक्रीज्ड, कितना रुपया से डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना रुपया से हुआ है निकाल के दो, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज कितना से हुआ है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ अनुराग लिमिटेड कितना, 75 माइनस 56.25 कितना डिक्रीज हुआ है निकालो, 18.75 लाख। थैंक यू सौम्या अजीत, 18.75 लाख, वेरी गुड। वॉट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस? स्वैप रेशियो निकालने बोल रहा है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और बोल रहा है अनुराग लिमिटेड के लिए आप रिवाइज मार्केट प्राइस लेना, ये वाला 14.0625, तो निकाल लो। यू नो वेरी इजिली हाउ टू फाइंड आउट द स्वैप रेशियो, डोंट यू नो दैट? निकाल लो पार्ट 5, स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट बाय मार्केट प्राइस ऑफ अक्वायरिंग। तो टारगेट का मार्केट प्राइस तो वही लेना है पुराना वाला, विच वॉज हाउ मच, 6.25 आया था ना, और अक्वायरिंग कंपनी का भी रिवाइज वाला लोगे कितना आया, 14.0625। डिवाइड एंड गिव मी द वैल्यू, स्वैप रेशियो कितना आ रहा है, डिवाइड करके वैल्यू बताओ, 6.25 डिवाइड बाई 14.0625 कितना आ रहा है, 0.44। ओके, दिस इज अ न्यू स्वैप रेशियो, इसका मतलब भी लिखो स्वैप रेशियो का, 0.44 का मतलब क्या हुआ, 0.44 शेयर्स ऑफ क्या, अनुराग लिमिटेड विल बी गिवन, है ना, फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ बिनाई लिमिटेड। यानी ये स्वैप रेशियो किसके लिए फेवरेबल रहा, अनुराग के लिए, अक्वायरिंग कंपनी के लिए, उसको खाली अपने कंपनी का 0.44 शेयर देना पड़ रहा है फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ बिनाई लिमिटेड, येस और नो? एक शेयर के बदले उसको खाली कितना देना पड़ रहा है, 0.44 शेयर। सो यू हैव टू राइट दिस, दिस मीन्स 0.44 शेयर्स ऑफ अनुराग लिमिटेड विल बी गिवन फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ, फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ क्या, बिनाई लिमिटेड, ये लिखना पड़ेगा आपको, यू हैव टू राइट इट डाउन। बताओ क्लियर है कि नहीं, आर वी थ्रू विद दिस? वेरी सिंपल, very simple guys, any doubt till here? now ek sum aur kar le kya, by your permission can we discuss one more sum? ha ya na bolo ek sum aur kar le kya, ha ya na bolo jaldi, sum number 5 kar le kya ek to aur, chalo सम नंबर 5 स्टार्ट करो, लास्ट सम फॉर द डे, लेट अस रॉकेट सम नंबर 5, कम ऑन गाइस, बग अप, व्हाट आर यू डूइंग, बहुत एनर्जी अभी हमारे अंदर, करो सम नंबर 5 फटाफट, डू इट, सम नंबर 5 कर लीजिए फटाफट फटाफट।
अभिषेक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टेक ओवर ऑफ बिकाश लिमिटेड एंड चित्रा लिमिटेड. द फिनेंशियल डेटा फॉर द थ्री कंपनीज आर एज फॉलोज. अभिषेक लिमिटेड बोल रहा है कि वो बिकाश को भी एक्वायर करेगा और चित्रा को भी एक्वायर करेगा, ठीक है. यानी ये यहाँ पे दो टारगेट कंपनी अलग अलग, दोनों टारगेट कंपनी का अलग अलग सोल्यूशन निकालना है, एक बार बिकाश को लेकर एक बार चित्रा को लेकर, ठीक है. पी रेशियो निकालने बोल रहा है, बहुत ही ईजी है. पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एमपीएस बाई ईपीएस ना. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी रेशियो मैम? एमपीएस बाई ईपीएस. पी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, एमपीएस बाई ईपीएस. तो निकाल लोगे एमपीएस बाई ईपीएस करके, प्राइस बाई अर्निंग. दोनों का प्राइस और अर्निंग दिया हुआ ना, चेक कर लो. दोनों कंपनी का प्राइस दिया हुआ, मार्केट प्राइस. अर्निंग नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे ना. टोटल अर्निंग्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर. अच्छा बी केयरफुल, अब की बार आउटस्टैंडिंग शेयर नहीं दिया, नंबर रुपीज में दिया है. फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाएगा ना. तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग शेयर निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो तीनों का. नंबर ऑफ शेयर्स कितना कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दो सबका. फेस वैल्यू 10 रुपया है ना, तो इसका कितना आएगा 45 करोड़, इसका कितना आएगा 18 करोड़, इसका कितना आएगा 9 करोड़. सबको 10 से डिवाइड कर दिया, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स आ गया. आर वी थ्रू विद दिस? आउटस्टैंडिंग शेयर्स वी हैव गॉट इट. आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर 45 करोड़, 18 करोड़, 9 करोड़. एकदम इजी. अब अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं, ईपीएस. ईपीएस निकाल लेते हैं. अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा तीनों कंपनी का? एबीसी लिख ले रहे हैं अभिषेक, बी से क्या नाम है जो भी नाम है विकास, और सी से चित्रा. आप लोग को एग्जाम में पूरा नाम लिख कर आना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा. अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगा लो. अर्निंग्स दिया हुआ है ना, अर्निंग्स फॉर्मूला यहाँ लिख लो, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ना. तो अभिषेक का अर्निंग्स कितना है 90 करोड़ डिवाइडेड बाय, इसका आउटस्टैंडिंग शेयर अभी निकाला 45 करोड़, तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना है 2 रुपया पर शेयर. वेरी इजी, अर्निंग पर शेयर इन रुपीज वी आर गेटिंग 2 रुपीज पर शेयर. वैसे बी लिमिटेड का आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है 18, और अर्निंग्स कितना है, अर्निंग्स भी 18, वाओ. तो 18 बाई 18 1 रुपया आया, 1 रुपीज पर शेयर. सी का निकाल लो, सी का अर्निंग्स कितना दिया हुआ है 18, और आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है 9, 18 बाई 9, यानी कि 2 रुपया. 2-1-2 अर्निंग पर शेयर आया कि नहीं, 2-1-2 अर्निंग पर शेयर. तो पहले बोला पी रेशियो निकालने, निकाल लेंगे अभी. तो पी रेशियो के लिए हम लोग को ईपीएस लगेगा और एमपीएस लगेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर. तो मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है क्या सब में, चेक कर लो. दिया हुआ है 60-37-46 लिख लो, 60-37-46. ये हो गया ए, ये हो गया बी. अब सी में हम लोग को निकालना है पी रेशियो. पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, एमपीएस बाई ईपीएस, यानी बी डिवाइडेड बाई ए. 60 बाई 2 करोगे कितना आएगा 30 आ गया, 60 डिवाइडेड बाई 2 ना मैम. क्यों 60? अरे पी रेशियो मतलब प्राइस बाई अर्निंग. प्राइस है 60 रुपया, अर्निंग्स है 2 रुपया, 60 बाई 2 करोगे 30 आएगा ना. फिर नेक्स्ट 37 बाई 1, बी बाई ए करते जाओ 37 आएगा. फिर 46 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 23. डन, 30, 37, 23. सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट. पहले सवाल में ये निकालना था पी रेशियो. डन. पी रेशियो इज डन. टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? पी रेशियो इज डन. पी रेशियो डन. एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अर्निंग पर शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ बिकाश एंड चित्रा सेपरेटली, विल यू रिकमेंड द मर्जर आइदर ऑफ बोथ द कंपनीज, जस्टिफाई योर आंसर. यानी आपको बोल रहा है पोस्ट मर्जर ईपीएस दोनों का निकालना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस. पहला निकालना है जब आपने मर्जर किया है किससे, बी से, और दूसरा निकालना है अलग से जब मर्जर किसके संग किया है, सी से. यानी एक में निकालना है ए प्लस बी का और एक में निकालना है ए प्लस सी का. निकालो फटाफट, यू नो द फॉर्मूला, फाइंड इट आउट.
यू नो द फॉर्मूला, फाइंड इट आउट। पहले आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकाल लेते, एक काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को स्वैप रेशियो निकालना होगा, है ना? तो स्वैप रेशियो किसके बेसिस पे निकालोगे, बोलो? हाउ विल यू फाइंड आउट द स्वैप रेशियो? स्वैप रेशियो का बेसिस दिया हुआ है क्या सब में? पढ़ो, स्वैप रेशियो का बेसिस नहीं दिया हुआ है तो आप स्वैप रेशियो कैसे भी निकाल सकते हो। स्वैप रेशियो आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो यहां पे आप कैसे निकालना चाहते हो स्वैप रेशियो, बताओ? हाउ यू वांट टू फाइंड आउट? मार्केट प्राइस पर शेयर पे निकाल लेते, जब कुछ नहीं दिया रहेगा ईपीएस या एमपीएस पे निकाल लो, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकाल लेते। सो लेट अस फाइंड आउट द स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो लिख लो, लेट अस फाइंड आउट द स्वैप रेशियो, लेट अस फाइंड आउट द स्वैप रेशियो अजम्पशन लिखो, लेट अस फाइंड द स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एक में हम लोग ए प्लस बी का निकालेंगे और एक में जब ए सी के संग मर्ज करे उसका निकालेंगे। आप अभिषेक प्लस विकास लिखना और अभिषेक प्लस चित्रा लिखना, ए प्लस बी और ए प्लस सी की जगह। यानी मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरिंग कंपनी, है ना? निकाल लेते हैं। चलो, दोनों का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस सब में निकालने बोला है ना, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं इसी के बेसिस पे कर लेते हैं। पी रेशियो वैसे बोला है, मार्केट प्राइस पे कर लेते। तो बताओ, टारगेट कंपनी का 37 है, उसका 60, तो 37 डिवाइडेड बाय 60, एक्सक्यूज मी, कितना आ रहा है इसका वैल्यू? और वैसे ही इसका भी निकाल लो, 46/60। कैन इवन गिव मी द वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू बता दीजिए, डेसिमल में वैल्यू बता दीजिए, हाउ मच यू आर गेटिंग, गिव मी द वैल्यूएशन इन डेसिमल। 37/60 करके कितना वैल्यू आ रहा है, 46/60 करके कितना वैल्यू आ रहा है? पॉइंट सिक्स वन सिक्स सिक्स सिक्स, सो 0.617 मैंने ले लिया, 46 डिवाइड बाय 60 को मैंने ले लिया 0.767666 आ रहा है ना? निकल गया स्वैप रेशियो। अब निकाल लो कितना कितना शेयर इशू करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द स्वैप रेशियो ना। तो बताओ बी का आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है, निकाला था अभी हम लोगों ने, बी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है? बी का कितना आउटस्टैंडिंग शेयर है, 18 और उसका 9, तो 18 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.617, 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.767, कितना कितना आ रहा बताओ, कितना कितना शेयर्स आ रहे, टेल मी गाइस। 11.10 आ रहे क्या, चेक कर लो, करोड़ करोड़, और यहाँ 9 × 0.767 6.903 CR, इतना नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, चेक इट गाइस। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स था ए का, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अभिषेक कितना कितना था, ए लिमिटेड का ऑलरेडी शेयर्स कितना था, चेक करो, 45 CR ऐड कर दोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाएगा, तो इसमें 45 ऐड कर दो तो कंबाइंड एंटिटी का शेयर्स आ जाएगा ना, टोटल शेयर्स ऑफ द कंबाइंड एंटिटी,
कंबाइंड एंटिटी का इन करोर्स, यानी कितना? 45 प्लस 11.10, 45 प्लस 11.10 56.1 आ रहा है इन करोर, और उसका 45 प्लस 6.903 या 90 कुछ भी ले लो, 51.9, ठीक है। फिफ्टी वन पॉइंट नाइन जीरो थ्री ले लो चाहे, अगर आप 3 को कंसिडर करो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो। हो गया, अब कंबाइंड अर्निंग्स भी निकाल लो फटाफट, वेरी क्विकली। कंबाइंड अर्निंग्स कितना होगा? यहाँ पे किसका किसका लोगे? ए प्लस बी का और वहां पे ए प्लस सी का, तो कंबाइंड अर्निंग्स देख लो कितना कितना है। एक जगह लोगे 90 प्लस 18, अच्छा दोनों का 18 18, तो 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 108 CR, सब CR में। मैम वहां पे भी आप 18 क्यों लियो? क्योंकि उसका भी जो पैट है ना सी लिमिटेड का प्री मर्जर 18 करोड़ है। यस, अब मेरे को क्या निकालना है? पोस्ट मर्जर EPS, तो पोस्ट मर्जर EPS निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा बताओ? ये मान लो मेरा C आया है, ये मेरा D आया है, तो D डिवाइडेड बाय C होगा ना, कंबाइंड अर्निंग्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी 108 डिवाइडेड बाई 56.1 कितना आ रहा है? 108 डिवाइडेड बाई 56.1 1.925 समथिंग आ रहा है, विच इज 1.93 रुपीज अप्रोक्सीमेटली ले लो। और इसका कितना आएगा? 108 डिवाइडेड बाई 51.903 या 9 जो भी ले लो, 2.08 आ रहा है पर शेयर। ये किस में आया? मेरा रुपीज में। तो पोस्ट मर्जर EPS निकालने बोला था, आ गया हमारा। तो किससे मर्जर करना ज्यादा बेनिफिशियल है? जहां पे मेरा पोस्ट मर्जर ईपीएस ज्यादा आ रहा है, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस मेरा ज्यादा चित्रा के संग आ रहा है ना। और वैसे भी आप देखो प्री मर्जर ईपीएस कितना था ए लिमिटेड का? 2 था, तो यहां पे तो गिर गया ना। बी लिमिटेड के संग मर्जर करेगा तो गिर गया ना 1.93, और सी लिमिटेड के संग वैल्यू बढ़ गया, समझ में आ रहा है? तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? यहां पे मेरा वैल्यू गिर गया और यहां पे मेरा वैल्यू ज्यादा हो गया, तो बेटर क्या रहेगा? मर्जर किसके संग बेटर रहेगा? विथ चित्रा। अभिषेक का मर्जर, अभिषेक का मेल मिलाप किसके संग बेटर रहेगा? चित्रा लिमिटेड के संग ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा ईपीएस का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। इट इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अभिषेक लिमिटेड, ठीक है। तो अभिषेक का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब वो चित्रा के संग मर्जर करेगा। तो वही यहाँ पे पूछा था हम लोगों ने, निकाल दिया, वेरी सिंपल। ऑल राइट गाइज, यहाँ तक पूरा क्लियर है? एक संग सम आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ, डेट इज योर सम नंबर 6, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो ये वाला सम आप होमवर्क पे करके आओगे। आज के लिए हम लोग सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप यू गाइज हैव इन्जॉयड द सेशन। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मजा आया कि नहीं आज के सेशन में, कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो सेशन के बाद, कैसा लगा? हम लोगों ने लगभग बड़े बड़े सम्स कर लिए 3 से 4 आज क्लास में। मुझे नहीं लगता आपको मर्जर को लेकर कोई भी टेंशन होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। ये पूरा का पूरा नोट्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी जल्दी, समझ में आ रहा है, जिसमें पूरा मर्जर का हैंड रिटन नोट्स होगा और ये PDF होगा जहाँ से हम लोग सम्स डिस्कस कर रहे हैं, आज ही मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल फॉर दिस, ओके? एब्सोल्युटली सूरज, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा मेरे बच्चे, फटाफट चैट बॉक्स में जाइए, कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट कर दीजिए कैसा लगा सेशन। होमवर्क इज अ मैंडेटरी थिंग टू डू एवरी डे, बिना होमवर्क के आप मत आना मेरे क्लास में। होमवर्क क्या है मैम? आज जो मैंने 2 सम्स करवाया, वैसे तो मैंने 3 करवाया, मास्टर सम आप छोड़ देना, सम नंबर 3 सम नंबर 4 रीडू करोगे, ठीक है, और सम नंबर 5 पूरा आप दोबारा से प्रैक्टिस करोगे। सॉरी, सम नंबर 3 4 5 रीडू करोगे और सम नंबर 6 आपका होमवर्क है, वो आप खुद से करोगे। सम नंबर 6 इज योर होमवर्क और 3 4 5 क्या करोगे? रीडू करोगे। 3 4 5 रीडू और सम नंबर 6 आपका होमवर्क है, कर लोगे ना इतना? थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम, ठीक है। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो आई वांट योर प्रीशियस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वंस द लाइव स्ट्रीमिंग गेट्स ओवर। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और अगर आपको ये जानना है एनरोलमेंट कैसे करा है, www.mepalclasses.com में जाइए, CMA फाइनल में क्लिक करिए और फटाफट एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। और पूरा का पूरा लेक्चर एज पर न्यू सिलेबस हो रहा है, तो चिंता मत करो, न्यू सिलेबस के हिसाब से पूरा लेटेस्ट लेक्चर जो है मैं करवा रही हूँ, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मैडम लोग कवर करने वाले हैं एज पर योर न्यू सिलेबस, ठीक है ना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय।